Hello students, welcome to NEXT IS. I am Ajay Singh and I am going to cover your ecology portion of the Anubhav test 2. We are going to start with question number 29 first. Question number 29 says, Global Stoke-Take report, the keyword here is Global Stoke-Take report recently seen in the news is related to. So the answer here is option A that it, it is the periodic review mechanism to assess the progress in addressing the climate change. Now, ये चीज जो प्रोवाइड की गई है रिपोर्ट की जो रिक्वायरमेंट है ये देता है आर्टिकल फोर्टीन ऑफ योर पेरिस क्लाइमेट एग्रीमेंट जो कि सीओपी ट्वेंटी वन के साथ रिलेट करता है सो दिस एग्रीमेंट दिस आर्टिकल फोर्टीन सेज कि देर हैज टू बी एन असेसमेंट कि कितना काम हुआ है विद रिस्पेक्ट टू द मेजर्स दैट हैव बीन टेकन फॉर एड्रेसिंग द क्लाइमेट चेंज सो ये क्या करेगा इट इज गोइंग टू हेल्प द कंट्रीज विद रिस्पेक्ट टू टेलिंग टेलिंग देम दैट हाउ मच एफर्ट्स हैव बीन टेकन बाय देयर साइड एंड वट एल्स नीड टू बी डन सो दिस इज योर ग्लोबल स्टॉक टेल रिपोर्ट Now, this report has to be done in every five years. So, the first report hai, that, is, that is happening in 2023, next report will be covering the period from 2028 to 2033. So, this is the first global stake, stock take report. Now, next question is question number 30. It is about Project Cheetah. So, the question says In the context of Project Cheetah, consider the following statement. First statement is cheetah is the only large carnivore you just have to mark these keywords large carnivore that went extinct in independent india the statement is right so it is the only large carnivore and also the only large mammal that got extinct in india and in 1952 the government declared that government officially declared that the cheetah has become extinct in india

मध्य प्रदेश के बिल्कुल टॉप मोस्ट पोर्शन में ये कूनो नेशनल पार्क आता है सेकेंडली हैव बीन ब्रॉड फ्रॉम एंड साउथ अफ्रीका सो दिस केन्या पोर्शन इज रॉन्ग हेयर सो इसकी वजह से पूरा सेकेंड स्टेटमेंट रॉन्ग हो जाता है सो दिस इज दीता फ्रॉम है एंड इफ यू आई टेल यू दिस्ट्री ऑफ इट इन टू थाउजेंड टेन सुप्रीम कोर्ट डिक्लेयर

इट इज़ गोइंग टू रेज रेड फ्लैक्स की ये सही है या गलत है इफ यू टॉक अबाउट टाइगर एंड चीता वी हैव एजेंसी नोन एज एन सी टी एन टी सी ए सॉरी एन टी सी ए दैट इज नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी सो नेशनल बायोडाइवर्सिटी अथॉरिटी से पहले नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी का काम होना चाहिए टू कंजर्व द बिग कैट्स बिग कैट्स को कंजर्व करने के लिए एन का काम होना चाहिए सो द आंसर दिस थर्ड थर्ड स्टेटमेंट इज ऑल्सो रॉन्ग बिकॉज दिस इज बींग इम्प्लीमेंटेड बाय एन टी सी एन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज एम पी फॉरेस्ट डिपार्टमेंट मध्य प्रदेश फॉरेस्ट डिपार्टमेंट एंड वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया सो दीज आर द की वर्ड्स हेयर दट यू शुड नो

सो ये इसके अंडर फॉर्म की गई थी तो दिस इज द सेकंड कीवर्ड देन आल्सो सर्च अबाउट द वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इसके बारे में देखो सो वेन एवर यू आर सी एनी क्वेश्चन यू हैव टू गो गो बियॉन्ड दैट क्वेश्चन जो भी वहां आ रहे हैं तो उनके बारे में थोड़ा थोड़ा यू हैव टू कवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर थर्टी वन क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मैंग्रोव सो मैंग्रोव क्या होते हैं मैंग्रोव आर योर लिटोरल प्लांट्स दैट आर फाउंड ऑन द शोर लाइन राइट

ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल प्लांट ये ट्रॉपिकल एंड सब ट मिलेगा मैंग्रोवेंट इज राइटिंग टेम्परेचर दैट मीन ये पोलर एरिया मैंग्रोव आपको नहीं मिलेंगे सो सेकंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट थर्ड इज देर फाउंड इन द कोस्टल इंटर टाइडल जोन येस एब्सोलूटली राइट जो भी इंटरटाइडल जोन होंगे आपके बेज होंगे तो और एनी कोस्टल जो होगा वहां पे आपको मैंग्रोव मिलते हैं नेक्स्ट कराई कैमल्स प्राइमरली फीड ऑन आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट कराई कैमल्स दिस स्टेटमेंट इज राइट कराई कैमल्स आर फाउंड इन गुजरात रीजन गुजरात के कच्छ रीजन में आपको कराई कैमल मिलते हैं एंड देयर बेसिक फूड इज मैंग्रोव ओनली एंड द प्रॉब्लम इज दैट इफ यू रिमेंबर देर हैज बीन अ मरीन नेशनल पार्क

फर्स्ट ऑफ ऑल दे आर लिट्टोर प्लांट ऑफ ट्रॉपिकल एंड सब्रॉपिकल शेल्टर्ड कोस्ट लाइन और कहा मिलेंगे आपको टाइडल फ्लैट में मिलेंगे डेल्टाज में मिलेगा यानी टाइडल एरियाज में मिलेंगे डेल्टाज में मिलेंगे एस्टूरीज में मिलेंगे बे में मिलेंगे क्रिक्स में मिलेंगे और बैरियर आइसलैंड के अंदर भी आपको मैंग्रूव फॉरेस्ट मिल जाएंगे मैंग्रूव प्लांट्स मिल जाएंगे नेक्स्ट दे आर एवर ग्रीन प्लांट दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर यू नेक्स्ट दे कैन टॉलरेट सॉल्ट वॉटर्स दे आर टॉलरेंट टू दॉल्ट वॉटर्सिनिटी कोट करते हैं सेकेंडली दे कैन ऑल्सो टॉलरेट दॉर लॉग्ड एनोरबिक कंडीशन ये मोस्टली क्या होता है ये पानी के अंदर ही होते हैं जस्ट दैट्स वाई रूट डू नॉट है ऑक्सीजन नहीं मिलती सो दे हैव दबिलिटी टू विद एनोरॉबिक कंडीशन दिज आर देशल फीचर्स ऑफ द मैंग्रोव नेक्स्ट ना मैंग्रोव मैंग्रोव से टू फेस टू टाइप ऑफ प्रॉब्लम पहली चीज तो सेलिनिटी सेकेंड चीज क्या है तो so, इनको overcome करने के लिए मतलब क्या है दीज आर दूट ये नीचे से ऊपर की तरफ उगती है और इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या होता है ऑक्सीजन एयर का एक्सचेंज करवाना रूट्स के लिए सो निटो फोर्स आर देयर हुर अंपॉर्टेंट फीचर ऑफ मैंग्रूव्स सेकेंडली दे कैन हैव आर्चिंग रूट ऑल्सो आर्चिंग रूट का मतलब क्या हुआ जैसे ये रूट्स हैं ये ऊपर से ही निकलना शुरू हो जाती हैं जिसकी वजह से जो भी एक्सचेंज ऑफ है वो ऊपर ही हो जाएगा सो दीज आर टू इंपॉर्टेंट फीचर्स है नेक्स्ट इज दे हैव थिक लीव्स क्योंकि ये हॉट एरियाज में होते हैं तो ज्यादा द मोर वाटर इज नॉट पुल्ड आउट फ्रॉम देम दैट्स व्हाई दे हैव थिक लीव्स दे फेस अ पिक्यूलर प्रॉब्लम ऑफ सेलिनिटी सो जो फ्रेश वाटर की एबिलिटी है प्लांट के लिए वो थोड़ी कम हो जाती है तो दे हैव टू कंजर्व वॉटर ऑल्सो थर्डली दे हैव सॉल्ट ग्लैंड्स जो भी एक्स्ट्रा एक्सेसिव सॉल्ट उनके अंदर आता है तो दे हैिटी टू एब्सोर्वटर फ्रॉम एंड ब्रैकिश वाटर एंड ब्लॉक बाय द रूट दिस एबिलिटी ऑल्सो एंड लास्ट वन इज दे है ताकि वो अपनी एक्सचेंज ऑफ गैसेस कर पाए सो द इंपोर्टेंट की वर्ड हेयर इज न्यूमेटो फोर्स Thick leaves, salt secreting grains, and resistance to the salinity. Right. Next is these are the examples of the mangroves. They can ask which of the following are mangrove plants. So the important one are Rhizophora and Avicenia. These are the most prominent ones. Others are Brugaria, Heritera, Nypha, Sonetia, and syrops So these are the important mangrove plants. Next is वट आर द लोकेशन इन विच इन इंडिया वेद्रूव प्लांट सुंदरबंशरकनिका सुंदरबन कहा गोदावरी कृष्णा डेल्टा ये कहां पर आंध्र प्रदेश के अंदर देन यू हैिछावन एंड वेदनायम ये कहां पर है तमिलनाडु स्टेट के अंदर है देन यू हैव एस्टुरीज एस्टुरीज एंड क्रीक्स ऑफ महाराष्ट्र गोवा एंड कर्नाटका

इससे पहले हमने पढ़ा था चीता चीता क्या है चीता इज ए की स्टोन स्पीशीज आप वहां पे दोबारा लिख सकते हो इट इज ए की स्टोन स्पीशीज चीता इज ए की स्टोन स्पीशीज की स्टोन स्पीशीज कौन से स्पीशीज होती है दीज आर दो स्पीशीज विच हैव क्या होता है जिनका बहुत लार्जर इंपैक्ट होता है इको एक सिस्टम पे इन रिस्पेक्टिव ऑफ इट्स पॉपुलेशन दैट मीन द पॉपुलेशन इज स्मॉल बट द इम्पैक्ट इज लार्ज ऑन द इको सिस्टम

यानी दे हैव बीन गिवन अ मैक्सिमम सिक्योरिटी अंडर द वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 33 33 क्वेश्चन नंबर इज अबाउट रेड पांडा रेड पांडा कहां मिलता है रेड पांडा यू यू विल विल फाउंड फाइंड इन द ईस्टर्न हिमालयस सो सिक्किम के अंदर इट इज अ प्रोमिनेंट वन एंड अरुणाचल प्रदेश के अंदर भी विल आल्सो फाइंड रेड पांडा सो रेड पांडा हैज हैजार्जली हर्बीवोर डाइट एंड फीड प्राइमरली ऑन द बेम्बू दिस स्टेटमेंट इज राइट वो मोस्टली हर्बीवोर्स होते हैं एंड बेंबू के ऊपर ही फीड करते हैं

So they are threatened species. Whatever uh, whatever I am telling uh, telling you this IUCN status, you have to note this down. This is important for Next is under World, uh, Wildlife Protection Act, they have been given protection under Schedule One. Schedule One under you have the maximum protection, right? So they have been provided maximum protection under Wildlife Protection Act of 1972. Next is question number thirty four. Question number thirty four is about. In the 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 context of the environment, the term new collective quantified good goals is often seen in news is related with. देखो ये जो है आपका ये भी आपका सीओपी ट्वेंटी पेरिस एग्रीमेंट के साथ ही रिलेट करता है इट इज ऑल्सो रिलेटेड विद द पेरिस एग्रीमेंट नाउ इसका ऑब्जेक्टिव क्या है इनिशियली इन क्योटो प्रोटोकॉल एंड अदर प्रोटोकॉल्स वी हैड द ऑब्जेक्टिव कि हम 2015 तक जो फंडिंग है वो यूएस डॉलर 100 बिलियन करेंगे पर ईयर पर वी डिडेंट अचीव इट हम उसको अचीव नहीं कर पाए नाउ दिस न्यू कलेक्टिव क्वांटिफाइबल गोल इज रिलेटेड विद दिस 100 बिलियन डॉलर फंडिंग इट सो इट इज अबाउट इट इज अबाउट ग्लोबल क्लाइमेट फाइनेंस टारगेट्स

और ये किसके साथ रिलेट करता है इट रिलेट्स विद बायोडर्सिटी सो बेसिक ऑब्जेक्टिव यहां पे क्या है टू कंजर्व दर्सिटी बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करना है ठीक है सो द फर्स्ट स्टेटमेंट इट इज इट विल बी मैनेज बाय द ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी दिस स्टेटमेंट इज राइट वाई दिस फंड वॉज लॉन्च दिस ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क फंड वॉज लॉन्च एट द सेवंथ मीटिंग ऑफ ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी एंड ये जो मीटिंग होती है हर चार साल में एक बार होती है सो यू हैव टू रिमेंबर दैट दिस इज द सेवंथ मीटिंग एंड ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी की जो मीटिंग होती है वो एवरी फोर ईयर्स होती है एंड ग्लोबल फाइनेंस ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी इट वॉज एस्टेब्लिश इन नाइनटीन विद द एफर्ट्स ऑफ and in consultation with undp and unep so this you should also remember ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी ही इसको मैनेज करता है पहली चीज तो यह है सेकेंडली देडक्वारन सो दिस वॉज अबाउट ग्लोबल एनवायरमेंट फैसिलिटी नाउ कमिंग बैक टू द क्वेश्चन सेकेंड इज इट विल सपोर्ट द इम्प्लीमेंटेशन ऑफ द कनमिंग मोन्ट्रेल ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क रिप्लेस दी बायोडाइवर्सिटी टारगेट सो इसके अंदर दो, दो चीजें हैं पहली चीज क्या है यह सपोर्ट किसको करेगा सेकेंड एक टेल टेल लाइन भी उसने डाल दी है वो क्या डाली है कि ये जो ग्लोबल बायोडाइवर्सिटी फ्रेमवर्क है इसने आईसी बायोडाइवर्सिटी टारगेट्स को रिप्लेस किया तो दोनों ही स्टेटमेंट ठीक है सो बोथ आर राइट आंसर बिकम्स रिलेटेड कंट्रीज फर्स्ट वन इज चरबल डिजास्टर फ्रांस देखो इट इज वेरी ऑब्वियस बहुत ही सिंपल है ये।, ये तो गलत ही होगा Where? Why? It happened in Ukraine. वैसे तो रशिया में हुआ था उस टाइम पे यूएसएसआर के अंदर ये हुआ था बट नाउ इट दिस प्लेस कम्स अंडर यूक्रेन एंड इट वॉज वन ऑफ द मोस्ट डिजास्टर्स न्यूक्लियर 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 रिएक्टर एक्सीडेंट और एक्सीडेंट और डिजास्टर दैट एंड देर इज इज अ मेजरमेंट जिससे हम देखते हैं कि न्यूक्लियर डिजास्टर जो है वो कितना कितना ज्यादा हार्मफुल रहा सो इट इज नोन एज लोगरिथमिक इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल ये so, ये जो स्केल है, मेजर करता है कि वो डिजास्टर कितना हार्मफुल था उस एरिया के लिए सो इट इज सेवन पॉइंट स्केल सेवन पॉइंट कैटेगरी इज सेवन यानी अगर स्केल पे सेवन पे अगर किसी चीज को नापा गया तो वो मोस्ट डिजास्टरस होता है सो so, uh, scale ऑफ seven। तो ये मोस्ट डिजास्टर डिजास्टर्स कैटेगरी के अंदर आएगा सेकेंड इज थ्री माइल्स आइसलैंड सो थ्री माइल्स आइसलैंड इज नॉट इन जर्मनी इट इज इन यूएसए सो दिस स्टेटमेंट ऑल्सो बिकम्स रॉन्ग एंड इट वॉज मेजर्ड एट फाइव इट वॉज गिवन फाइव ऑन द लॉगरिथमिक इंटरनेशनल इंटरनेशनल न्यूक्लियर इवेंट स्केल थर्ड वन इज फुकुशिमा डिजास्टर जापान ये तो हमें सबको पता ही है सो दिस स्टेटमेंट इज राइट इट हैपन इन 2011, the Chernobyl happened in 1986, and this 3 mile incident happened in 1979. Theke? So, the two are wrong, one is right, answer becomes option A only one. Next question number 37 it is about Namo X108. So, what is this Namo 108? Recently, uh,

नेशनल फ्लावर आल्सो सो यहाँ पे आपके दो क्वेश्चन तो बनता है कि नेशनल सिंबल्स कौन से कौन से हैं, तो Then, you, कि है अब दिस नमो वन जीरो एट के बारे में थोड़ा देख लेते हैं फर्स्ट ऑफ ऑल इट हैजन जीरो मणिपुर में ये पाया गया था और इसको देर दिन सिक्वेंसिस जीनोम सिक्वेंसिंग वॉज डन

फ्लावरिंग सीजन सो ये इसकी एक अनदर इम्पोर्टेंट थिंग है इसके साथ साथिंग डेट वॉज मिस दिज एन बी आर आई निहार वॉज ऑल्सो लॉन्च एन बी आर आई निहार वॉज ऑल्सो लॉन्च ये क्या है इट इज अ वायटी ऑफ एलोवेरा और इसकी जो इसका जो आउटपुट है टाइम्स जो जेल इसमें से मिलता है आपको वो टू पॉइंट फाइव टाइम्स आपकी नेचुरल से मिलने वाले जल से सो so, इसकी प्रोडक्टिविटी ज्यादा है सेकेंड थिंग इज दैट बैक्टीरिया एंड फंजाई डू नॉट अफेक्टेड मच उसको ज्यादा अफेक्ट नहीं कर पाते जिसकी वजह से इसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाती है

ये इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज बिकॉज मोस्ट मोस्ट ऑफ इज अफेक्टेड एंड मलेरिया फीवर तो मोस्किटो पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए ये वेरायटी इंपॉर्टेंट है नौ क्वेश्चन के ऊपर आते हैं इट इज वाइडली यूज एज अ बायोलॉजिकल एजेंट फॉर कंट्रोलिंग मॉस्किटो लार्वे दिस स्टेटमेंट इज राइट सेकेंड इट इज एंडेमिक स्पीशीज टू वेस्टर्न घाट दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग ये एंडेमिक है कहां पे यूएसए के अंदर

सो देर इज अ रेड फिंड बिश की वेराइटी होती है ऑस्ट्रेलिया के अंदर दिस बिकेम एक्सटिंट ड्यू टू इंट्रोडक्शन ऑफ गम्बुशिया फिश सेकेंडली माइक्रोफाटा टेडपोल इस इनकी भी जो दे आर ऑल्सो अफेक्टेड बाई द इंट्रोडक्शन ऑफ द गम्बुशिया फिश गम्बुशिया के साथ साथ यू हैव पोसीलिया रेटिक्यूलेटा जो कि अगेन एक और uh, फिश है जो कि मॉस्किटो लार्वा के ऊपर फीड करती है जो मलेरिया को कंट्रोल करने में काम आती है these two Gambusia affinis, Gambusia Helburuki, and Poecilia reticulata these have been mentioned by our National Centre for Vector Bone Diseases Control. Jo apana national Centre National Centre for Vector Bone Diseases Control. This has mentioned these three varieties as, uh, as a manner as a means of controlling malaria fever or controlling mosquito population. And in India पंजाब एंड आंध्र प्रदेश हैव इंट्रोड्यूस्ड दिस फिश वराइटी सो दिस इस फिश के बारे में यू शुड नो दैट दिस इज अ इन्वेजिव स्पीशीज दिस फीड्स ऑन मॉस्किटो एंड कैन इज हेल्पफुल इन कंट्रोलिंग द मलेरिया स्प्रेड ऑफ मलेरिया जो वेक्टर वैक्टाबोन डिजीज होती है उसको कंट्रोल करने में ये इफेक्टिव है थर्डली

It needs light, and the for for a chemical reaction to happen, it, it also needs some warmness. So, first statement to jaga wrong. Second, ozone constitutes one of the major components of the photochemical smoke. This statement is right that I am going to explain you right now. So, second is right, answer becomes option C. Sorry, option B. Answer is option B. There are two types of smoke, one is photochemical smoke, one is your क्लासिकल स्मोक अब इन दोनों के बीच में डिफरेंसेस क्या क्या जो क्लासिकल स्मोक है इट हैपेंस इन कूल ह्यूमिड क्लाइमेट ये ठंडे 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 क्लाइमेट में होती है फोटोकेमिकल स्मोक कहाँ होती है इट हैपेंस इन वार्म ड्राई एंड सनी क्लाइमेट ये वार्म ड्राई और सनी क्लाइमेट में होगा दिस इज ड्यू टू सल्फर डाइऑक्साइड जब एटमोसफेयर के अंदर सल्फर डाइऑक्साइड होगा सल्फर डाइऑक्साइड कहां से निकलता है इट कम्स आउट फ्रॉम योर पावर प्लांट्स पावर प्लांट्स वगैरह से सल्फर डाइऑक्साइड निकलता है और वो रिएक्ट करता है स्मोक और और के साथ और वो क्या बनाता है आपकी क्लासिकल स्मोक इसको हम दूसरे टर्म्स में कह सकते हैं लंडन स्मोक दिस इज ऑल्सो नोन एज लंडन स्मोक द फोटोकेमिकल्स स्मोक नीड्स एक्शन ऑफ सनलाइट ऑन अनसेटेड हाइड्रोकार्बन्स नाइट्रोजन ऑक्साइड्स तो नाइट्रोजन ऑक्साइड की वहां पे जरूरत है और की जरूरत है फोटोकेमिकल स्मोक बनाने के लिए और ये कहां से निकलते हैं आपके ये आपके निकलते हैं वहीक्यूलर एमिशन के थ्रू जो वहीकल चलेंगे उनके एमिशन के थ्रू ये निकलेंगे थर्ड वन इज क्लासिकल स्मोक इज रिड्यूसिंग स्मोक एंड फोटोकेमिकल स्मोक इज ऑक्सीडाइजिंग स्मोक अब इसको समझ लेते हैं कि दोनों ऑक्सीडाइजिंग और रिड्यूसिंग कैसे होती है क्लासिकल स्मोक के अंदर जो रिएक्शन होते हैं वो इस तरह से होते हैं कि एसओ टू जो है सल्फर डाइऑक्साइड जो है वो ऑक्सीजन का रिएक्ट करेगा और एसओ थ्री बनाएगा Now, SO2 जो बनेगा ये एसओ टू फिर हाइड्रोजन परऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेगा और सल्फ्यूरिक एसिड बना देगा राइट फोटोकेमिकल स्मोक के अंदर क्या होगा जो आपका नाइट्रोजन डाइऑक्साइड है ये न्यूट्रिक ऑक्साइड बनाएगा और ऑक्सीजन रेडिकल क्रिएट करेगा क्या करेगा ऑक्सीजन रेडिकल क्रिएट करेगा उसके बाद जो ऑक्सीजन रेडिकल है ये ओ के साथ जो ऑक्सीजन उसके साथ रिएक्ट करेगा एंड इट इज गोइंग टू फॉर्म फॉर्म दी ओजोन दिस ओजोन इज नोन एज सरफेस ओजोन एंड सरफेस ओजोन इज वेरी हार्मफुल फॉर फॉर द हेल्थ ऑफ ह्यूमंस एज एज वेल एनिमल्स तो और लिविंग बीइंग्स के लिए सरफेस ओजोन इज वेरी वेरी हार्मफुल बिकॉज इट इज हाईली रिएक्टिव ठीक है तो देखो ये ऑक्सीजन ज्यादा हो गया ना तो दैट्स वाई इट्स नेम इज ऑक्सीडाइजिंग

विच इज़ कैंसरस जो हार्मफुल होता है हमारी हेल्थ के लिए उसके साथ इट कैन ऑल्स द हाइड्रोकार्बन कैन रिएक्ट विद विद्रिक ऑक्साइड जो यहाँ बना था प्लस ऑक्सीजन टू फॉर्म नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड पैन पैन क्या होता है आपका पर ऑक्सीएसिटाइल नाइट्रेट तो इट इज ऑल्सो वेरी हार्मुल

Haan, next question is question number 40. Consider the following statement. Bamboo and medicinal plants are considered as minor forest produce in India. This, is, this statement is right. This statement is right. They are both minor forest produce. Second is as per the Indian Forest Act of 1927, all timber all non timber forest produce of plant origin are minor forest produce because this statement is right that all known timber forest produce of plant origin are minor forest produce but the act here mentioned is wrong it is right to it is forest rights act of 2006 so this statement becomes wrong answer will be option c statement one is right and statement two is incorrect इंडियन फॉरेस्ट एक्ट इट टॉक्स अबाउट फॉरेस्ट प्रोड्यूस ये फॉरेस्ट प्रोड्यूस को डिफाइन करता है दिस इज राइट अब इसके अंदर आता है माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस दैट माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस इज डिफाइंड बाय शेड्यूल्ड ट्राइब्स एंड अदर ट्रेडिशनल फॉरेस्ट डेलर एक्ट दैट इज योअर फॉरेस्ट राइट एक्ट ऑफ टू थाउजेंड सिक्स यानी अगर आपसे पूछा जाए फॉरेस्ट प्रोड्यूस कौन डिफाइन करता है तो उसको तो आपका forest, forest 1927 करता है इट इज राइट एक्ट और शेड्यूल ट्रेडिशनल फॉरेस्ट सो ये आपको डिफरेंस पता होना चाहिए अब इस माइनर फॉरेस्ट प्रोड्यूस के अंदर क्या क्या आएगा सो इट कवर्स बेम्बू बुशवुड स्टम्प केन्स तसर कुकून हनी वैक्स लैक

कि क्लाउड सीडिंग के अंदर क्या है आपके पहले से प्री एग्जिस्टिंग क्लाउड्स होने चाहिए तभी वो वर्क करेगा इट इज नॉट लाइक दैट कि आप बिना क्लाउड कोई क्लाउड ही वहां पे नहीं है तब आप जाके क्लाउड सीडिंग करोगे और वहां पे बारिश हो जाएगी एंड फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज क्लाउड सीडिंग क्लाउड सीडिंग द बेसिक डेफिनेशन इज कि यू आर आर्टिफिशियली क्रिएटिंग कंडीशन फॉर हैविंग अ रेन की आप रेन कंडीशंस को क्रिएट कर रहे हो वेदर कंडीशंस के अंदर टेम्परिंग करके यूर कंडीशन यू आर क्रिएटिंग कंडीशंस फॉर द रेन सो व्हाट हैपेंस इन दैट इज दैट

जो छोटे छोटे दूर दूर आपके वाटर वेपर के पार्टिकल्स थे वो सारे के सारे इकट्ठे हो जाएंगे एक जगह पे दे विल कम टूगेदर एंड वो इकट्ठे होने के बाद एक बड़ा मोलिक्यूल बनेगा वाटर का एंड दीज वॉटर मोलिक्यूल आर देन गोइंग टू कम डाउन एज रेन और स्नो तो ये रेन या स्नो की फॉर्म में नीचे आएंगे दैट इज योर क्लाउड सीडिंग सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट सेकेंड इज सिल्वर आयोडाइड कैन बी यूज फॉर क्लाउड सीडिंग दिस स्टेटमेंट इज फर्स्ट ऑफ ऑल ट्राई दिस क्लाउड सीडिंग स्नोफॉल उन्होंने करवाई थी उससे ना क्लाउड सीडिंग तो क्लाउड सेडिंग के लिए दो टेक्निक्स आपकी होती हैं जब भी आपके आपकेर द क्लाउड्स आर गोइंग टू फॉर्म देर आर टू ऑफ टेक्निक्स फर्स्ट वन इज हाइग्रोस्कोपिक उस हाइग्रोस्कोपिक के अंदर आप कौन सा केमिकल यूज करोगे आप केमिकल यूज करोगे सोडियम क्लोराइड या कैल्शियम क्लोराइड सेकेंड टेक्निक इज ग्लिशियोजेनेरिक जेनेरिक ग्लिशियो जेनेरिक के अंदर क्या होगा देर इज सिल्वर आयोडाइड देर इज पोटेशियम आयोडाइट देर इज सल्फर डाइऑक्साइड देन देर इज ड्राई आइस और फ्रोजन सीओ टू

सो so, जब भी सिल्वर आयोडाइड को आप एयर में फैलाओगे तो देयर आर गोइंग टू टू बी ऑफ थिंग्स वन इज एयर पॉल्यूशन एंड वन वन इज गोइंग टू बी गॉटर पॉल्यूशन एयर पॉल्यूशन कैसे होगा जो पार्टिकुलेट मैटर है एयर के अंदर वो बढ़ जाएगा वाटर पॉल्यूशन कैसे होगा जो भी रन ऑफ वाटर होगा वो एक्वेटिक एरियाज में जाएगा एंड इट इज गोइंग टू अफेक्ट लाइफ एज वेल एज ह्यूमन लाइफ क्योंकि जब भी बारिश गिरेगी तो इट द केमिकल्स आर गोइंग टू अफेक्ट अस आल्सो न कॉज इट कैन कॉज यू क्या कहते हैं इट कैन कॉज स्किन के लिए हार्मुल हो सकता हैजिकल ऑर्गेनाइजेशन इन टू थाउजेंड सेवेंटीन हैल्सो सेट दैट क्लाउड सीडिंग को ज्यादा यूज ना किया जाए नेक्स्ट इज क्लाउड सेडिंग कहाँ कहाँ यूज की जा सकती है तो पहला तो है कि वो नॉर्मल प्रोसेस नॉर्मल पब्लिक इंटरेस्ट में यूज की जाए जैसे कि हीट वेव्स को सप्रेस करने के लिए वाइल्ड फायरस को सप्रेस करने के लिए ड्रॉट मिटिगेशन में उसको यूज़ किया जाए इट कैन बी यूज इन एग्रीकल्चर कैपेबिलिटीज एंड बैटलिंग एक्सट्रीम हीट ऑल्सो उसके साथ साथ इट कैन ऑल्सो भी यूज फॉर कमर्शियल परपजेज कमर्शियल में क्या क्या आएगा जैसे कुछ एरियाज होते हैं आपका कैनेडा के अंदर देर आर एरियाज जहाँ पे देर आर हेल्स uh, ट्रॉम जहां पे ओले गिरते हैं जिसकी वजह से क्या होता है इंश्योरेंस कंपनीज को घाटा हो जाता है सो so, उन uh, उन हेल्स को कंट्रोल करने के लिए भी इसको यूज किया जा सकता है देन स्नोफॉल को एनहांस करने के लिए यूज किया जा सकता है जो आपकी स्की स्काई रिजॉर्ट वगैरह है वो उसको यूज कर सकते हैं क्लाउड सेडिंग को देन हाइड्रो इलेक्ट्रिक कंपनीज क्लाउड सेडिंग को यूज कर सकती हैं किसके लिए टू फिल अप द डैम कि पीछे बारिश करवा दी तो डैम का जो रिजर्वर है वो ऊपर की तरफ आ गया यानी वो फिल हो गया सो so,

सेकेंड इज सिग्निफिकेंट रिडक्शन ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस एंड रिलेटेड रेट एवरी वेयर थर्ड वन इज एनहांसिंग पॉलिसी को हरेंस फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट सो लेट्स कौन सी कौन सी चीज आ सकती है is, as, SDG, SDG 30, so देखो, के साथ तो रिलेट नहीं करेगी सो so ये तो रॉन्ग हो जाएगा सेकेंड इज योअर एस डी जी टेन रिड्यूस्ड इन इक्वेलिटीज So, देखो वायलेंस इनइलिटी के साथ नहीं आता सो दिस अगेन बिकम्स रॉन्ग थर्ड वन इज एस डीजी सेवनटीन इट इज सिंग पार्टनरशिप फॉर गोल्स तो इफ वी आर हैविंग पॉलिसी फॉर सस्टेनेबल डेवलपमेंट तो ये आपका ठीक हो जाएगा सो यू कैन से एस डी जी सेवनटीन इज फॉर थर्ड वन सेकेंड इज एस डीजी सेवन फॉर अफोर्डेबल एंड क्लीन एनर्जी दिस कैन बी देयर ये हो सकता है पर यह क्लीन एनर्जी की बात हम यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी में करेंगे एनर्जी एफिशिएंसी के अंदर नहीं करेंगे सो दिस अगेन कैन बी राइट और रॉन्ग बताओ ये अफोर्डेबल की, की बात कर रहा है और so so ये क्लीन एनर्जी की बात कर रहा है तो यहाँ पे इट इज सेइंग एनर्जी ये रिलेट करेगा नहीं करेगा यस इट इज गोइंग टू सो ये हो जाएगा आपका राइट सो इट इज गोइंग टू बी विद एस डी जी सेवन सेकेंड इज एस डी जी फाइव विदर इक्वेलिटी यहाँ पे इट इज टॉकिंग अबाउट ऑल फॉर्म्स ऑफ वायलेंस यहाँ पे जेंडर वायलेंस की बात नहीं हो रही है तो so ये अगेन हो जाता है आपका गलत थर्ड में एस डी जी इलेवन ये आपका गलत हो जाएगा और ये एस डी जी नाइन भी गलत हो जाएगा थर्ड वन के लिए एस डीजी सिक्सटीन की हम बात करते हैं तो पीस जस्टिस एंड स्ट्रॉन्ग इंस्टीट्यूशन दिस यू कैन रिलेट विद द रिडक्शन इन ऑल फॉर्म ऑफ वायलेंस एंड रिलेटेड डेथ एवरीवेयर तो इसके लिए क्या हो जाएगा एस डी जी सिक्सटीन सो आंसर हेयर बिकम्स ऑप्शन डी

देखो ऑलवेज इनवर्टेड का क्या मतलब है कि जो पिरािड है नीचे कम है चीजें और उसके ऊपर ज्यादा चीजें दिस इज इनवर्टेड वैल्यू देयर इज द वैल्यू एट द टिप इज लेस एंड एज वी मूव अप द वैल्यू ऑल्सो इंक्रीजेस बट इफ यू सी द एनर्जी पिरामिड पिरािड वेपन इज दैट देर इज अ टेन परसेंट रूल एक टेन परसेंट रूल है जो लिंडमैन ने दिया था इन नाइनटीन फोर्टी टू This rule says कि जब भी एनर्जी एक टॉपिक लेवल से दूसरे टॉपिक लेवल पे जाती है यानी प्रोड्यूसर से प्राइमरी कंज्यूमर पे अगर जाएगी तो ओनली टेन परसेंट ऑफ विल बी एनर्जी है वो हो जाएगी वेस्ट बट ओनली टेन परसेंट ऑफ द एनर्जी विल बी ट्रांसफर टू द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल प्राइमरी कंज्यूमर से कंज्यूमर पर जाएगी तो अगेन नाइनटी विल बी लॉस्ट एंड टेन विल बी ट्रांसफर्ड अगेन प्राइम सेकेंडरी कंज्यूमर से टर्सरी कंज्यूमर पे जाएगी तो फिर भी फिर वही होगा नाइन परसेंट एंड ओनली टेन परसेंट सो जैसे जैसे नीचे एनर्जी कम होगी इफ यू गो फॉर दिस इन्वर्टेड पेरामिड फॉर दी

Always upright, the actual word should be it should always be upright. Second is only 10 percent of the energy is transferred to each trophic level from the lower trophic level. This statement is right, I have explained you. So, answer here becomes option D fun is incorrect, and second is correct. Next hai question number 44 it says, with reference to cyanobacteria, consider the following statement. So, what are cyanobacteria?

ऑटोट्रॉफ्स भी हो सकते हैं दे कैन ऑलसो भी दे कैन ऑल्स मैन्युफैक्चर फूड थ्रू से कर सकते हैं तो ये ऑटोट्रॉफ्स होते हैं फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट सेकंड इज दे कैन फिक्स एटमोस्फेरिक नाइट्रोजन यस दे कैन फिक्स इफ यू सी नो स्टॉक एना एंड ओसिलिटेरिया दीज आर एग्जाम्पल्स ऑफ ब्लू ग्रीन एलगी एंड दे ऑल आर नाइट्रोजन फिक्सिंग

ये ब्लू ग्रीन एलगी के एग्जाम्पल्स हैं एंड दीज आर दी एग्जाम्पल्स ऑफ बैक्टीरिया ये बैक्टीरिया के एग्जाम्पल्स है राइजोबियम कहा मिलता है आपको नोड्यूल्स ऑफ लेग्यूमिनस प्लांट्स यानी ये सिंबॉयटिक है ये किसी के साथ मिलके नाइट्रोजन को फिक्स करता है अजोस्पाइर एंड अजोटोबैक्टर दीज आर फ्री लिविंग दीज आर फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया राइट कमिंग बैक टू ग्रीन ब्लू ग्रीन एलगीज एल नोन एज हेट्रोसिस्ट एक स्पेशल सेल होता है ब्लू ग्रीन एलगी के अंदर जिसे हम बोलते हैं फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन दिस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर नाइट्रोजन फिक्सेशन सी ये जो की वर्ड्स है क्वेश्चन इनके ऊपर पूछने के चांसेस ज्यादा रहते हैं तो यू शुड नो दीज वर्ड्स ये कुछ कुछ चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए आपको सब कुछ करने की जरूरत नहीं है पर साइंस में बेसिक ये चीजें पता होनी चाहिए कि किसी की क्या स्पेशलिटी है अगर कोई चीज अलग है तो सो सेकेंड स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट थर्ड इज दे सर्व एज एन इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर बिल्कुल ऑब्वियसली इन द पेडी फील्ड ब्लू ग्रीन एल्गी इज अ इंपॉर्टेंट बायो फर्टिलाइजर

एंड फंजाई आर माइको बायोट इन दोनों ये दोनों में लाइक के दो पार्ट है माइक्रो बायोट फाइको बायोट इज बाय द ब्लू ग्रीन एल्गी एंड इज दाइक्रो बायोट ब्लू ग्रीन एल्गी क्या करता है इट इट मैन्युफैक्चर्स फूड फंजाई क्या करता है फंजाई उसको प्रोटेक्ट करता, करता है उसको शेल्टर प्रोवाइड करता है सेकंडली फंजाई ऑल्सो प्रोवाइड वॉटर एंड मिनरल्स टू द एलगी ब्लू ग्रीन एलगी ये तो एक चीज हो गई सेकेंडली लाइकंस आर वेरी सेंसिटिव टू पोल्यूशन जहां भी पोल्यूशन होगा वहां पे आपको लाइकंस नहीं मिलेंगे सो दे आर इंडिकेटर्स फॉर द पोल्यूशन तो ये एक इंपॉर्टेंट चीज है तीसरी चीज लाइकंस आर पाइनियर स्पीशीज ये कैसे स्पीशीज होती है दे आर पाइनियर स्पीशीज इन इकोलॉजिकल सक्सेशन

तो स्नो लेपर्ड इज फाउंड इन एल्पलाइन एंड सब एल्पलाइन रीजन एट एलिवेशन ऑफ थ्री थाउजेंड मीटर्स दिस रीजन ये जो पूरा रीजन है आपका हिमालय का जहां पे माउंटेनियस रीजन यहाँ पे आपको स्नो लेपर्ड मिलेगा स्टेटस इज गिवन एजरेबल कैटेगरी ऑफ दियन रेड लिस्ट नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन

वन इंपॉर्टेंट थिंग अबाउट दिस वोल्केनो इज दट दिस इज अम्प्लेक्स वोलकेनो ये आपको पता होना चाहिए वट इज कॉम्प्लेक्स वोलकेट इज कम्पाउंड कॉम्प्लेक्स वोलकेनो है सेकेंड वन इज माउंट उलावन माउंट उलावन इन पापुआ न्यू गना दिस स्टेटमेंट इज राइट एंड इट इज अ काइंड ऑफ स्ट्रेटो वोल कैनो थर्ड वन इज माउंट एटना इन इटली this again is a stratovolcano so these you should know and these both have erupted recently in november 2023 so all the three are active volcanoes so answer here becomes option b that is only two pairs next is question number 76 question number 76 says about critical minerals that are found in india

पहली स्टेटमेंट को री कर रही है और कुछ नहीं तो यूज जिस के अंदर ग्रेफाइट होता है देन यूर बैटरीज के अंदर ग्रेफाइट होता है तो उसी से उसकी इंपॉर्टेंस मिल जाती है तो इट इज ऑल्सो वन ऑफ द क्रिटिकल मिनरल सो आंसर हेयर बिकम ऑप्शन थ्री अब थोड़ा क्रिटिकल मिनरल्स को देख लेते हैं कौन से कौन से होते हैं सो द लिस्ट गिवन बाय मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेस जिसमें आता है एंटीमनी बेरिलियम बिस्मथ कोबाल्ट कोबर कैडमियम गैलीमियम गैलीमियम जर्मेनियम ग्रेफाइट हैफनियम इंडियम लिथियम मोलिबिडनम नाइओबियम, निकल पीजीई फॉस्फेट पोटैश रेयर अर्थ मेटल्स देन रीनियम सिलिकॉन स्ट्रॉन स्ट्रॉन्थियम सेलिनियम

but not concentrated enough to be economically exploitable and if you go for the list this is the list of rare earth metals so this you can note down from here itself what are the rare earth metals so that if any question comes on that you can easily address this that now next item graphite cuper graphite is a type of allotrope of carbon it is a type of allotrope of the carbon वट आर एलोट्रोप्स एलोट्रोप्स वो आ, वो फॉर्म्स होती हैं जिसमें कोई भी मिनरल जो है जिसमें कोई भी एलिमेंट जो है वो एग्जिस्ट करता है सो दिस आर द वेरियस फॉर्म्स ऑफ प्योर एलिमेंट दिस आर द फॉर्म्स इन विच अ प्योर एलिमेंट एग्जिस्ट जैसे आप देखोगे तो द कार्बन हैज ग्रेफ डायमंड एज अ एलोट्रोप देन ग्रेफाइट उसका एक एलोट्रोप है देन फुलरीन फुलरीन इज हैल्सो वन ऑफ द एलोट्रोप्स ऑफ द कार्बन देन अनदर एलोट्रोप इज ग्राफीन so these are the four allotropes of the uh, four allotropes of carbon next is graphite graphite ki kahan use graphite it is used in pencils lubricants crucibles foundry facings then polishers arc lamp batteries bushes for electric motors and core of the nuclear reactors so you can you can see ki is iski importance so that's why it has been kept, kept under critical metals critical elements next is question number 78 it says विच ऑफ दैक्टर्स इन्फ्लुएंस दंट्स तो ओशन करंट्स को कौन सी कौन सी चीजें इन्फ्लुंस करेंगी फर्स्ट इज ग्रेविटी ऑफ दी अर्थ यस ग्रेविटी ऑफ द अर्थ करेगी जहां पे ज्यादा uh, तो उससे दूसरी की तरफ वॉटर uh, जाना शुरू करेगा सो ग्रेविटी डू अफेक्ट दी मूवमेंट ऑफ दॉटर मूवमेंट ऑफ दंट सेकंड इज हीटिंग बाई दोलर एनर्जी एंड विंड फ्लो ऑब्वियसली जिस डायरेक्शन में विंड फ्लो करेगी उसी डायरेक्शन में ओशन करंट भी जाएगा ड्यू टू फ्रिक्शनल फोर्स एंड सोलर एनर्जी से हीटिंग होगी उसकी वजह से क्या होगा जैसे जो ट्रॉपिकल एरियाज उसमें एट सेंटीमीटर ज्यादा हाइट रहती है बजाय पोलर एरियाज के ओशन की जिसकी वजह से क्या है ग्रेडेड बन जाता है और वॉटर क्या है फ्लो करता है ट्रॉपिकल एरियाज से पोलर की तरफ नेक्स्ट इज डेंसिटी ऑफ ओशन वाटर

राइट सो आंसर बिकम्स ऑप्शन सी वन टू थ्री एंड फाइव नेक्स्ट इज क्वेश्चन अरुणाचल प्रदेश दिस स्टेटमेंट इज राइट अपतानीज एक प्रॉमिनेंट ट्राइब है अरुणाचल प्रदेश का एंड अपनी दे आर एसोसिएटेड विद जीरो वैली

सिद्धू एंड कानो सिद्धू एंड उन्होंने रेवोल्यूशन रेवोल्यूशन वॉज देयर संथल रिवोल्ट देयर इट वॉज अगेंस्ट परमानेंट लैंड सेटलमेंट सिस्टम इंट्रोड्यूस्ड इन 1790. थर्ड वन इज इरुलर इन उड़ीसा दिस स्टेटमेंट इज राइट रॉन्ग सॉरी दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग इट इज फाउंड इन तमिलनाडु ये तमिलनाडु का प्रोमिनेट ट्राइब है फॉर देयर नॉलेज अबाउट स्नेक्स एंड देयर स्किल्स टू एक्सट्रैक्ट वेनम फ्रॉम द्स के साथ आपको इसको रिलेट कर सकते हो सो हेयर द आंसर बिकम्स ऑप्शन बी दू नेक्स्ट इज क्वेश्चन रिवर एंड इट फ्लोज इन टू कोंगो इन एटलांटिक सी दिस स्टेटमेंट इज राइट कॉन्गो इन एटलांटिकसी इस रिवर को जायरा रिवर भी बोलते हैं

नाइजर रिवर जो कि आपके सिरा लेनोन के जो बॉर्डर से शुरू होती है एंड इट गोज अक्रॉस गुएनाट गोज नाइजर नाइजीरिया एंड इट फ्लोज इन टू योर गल्फ ऑफ गुएना इन दटलांटिकोशन सो दिस सेकंड ऑल्सो राइट थर्ड वन इज यग रिवर जो कि आपकी चाइना से स्टार्ट होगी एंड इट विल गो थ्रू दीज साउथ एशियन कंट्रीज लाओस थाईलैंड कंबोडिया वियतनाम And will flow into the South China Sea. Next is question number 82. It says, as recently seen in news, Ladakh and Kashmir have witnessed negligible snowfall this year. In this context, consider the following lack of intense, intense western disturbances over the northwest region. So you should know that job winters can the rainfall hoti hai in the northwest India. This is basically due to western disturbances. अगर वेस्टर्न डिस्टर्बेंस वीक है तो रेनफॉल भी कम होगी शॉर्ट फॉल रहा था स्नो फॉल का इन लद्दाख एंड कश्मीर रीजन नेक्स्ट इज स्ट्रॉन्ग नीनो कंडीशन दिस स्टेटमेंट इज राइट एल नीनो कंडीशन एक्चुअली अफेक्ट प्रिस्पिटेशन इन द इंडियन इंडियन सबकॉन्टिनेंट सो दिस स्टेटमेंट इज राइट थर्ड वन इज प्रेजेंस ऑफ अग जेट स्ट्रीम देखो वेस्टर्न डिस्टर्बेंटेड विद्रीम अगर जेट स्ट्रीम स्ट्रॉग होंगी तो वहां पर रेनफॉल ज्यादा होनी चाहिए

जहां पे वार्म वाटर्स होंगे इन और दिस इज एक्सट्रीम वेदर पे तो वार्म ओशंस के अंदर सेकेंडली देर विल भी एसिडिफिकेशन अभी एसिडिफिकेशन कैसे होगा मरीन हीट वेव की वजह से देखो जब टेम्परेचर राइज करेगा सो देर विल बी मोर जनरेशन ऑफ हाइड्रोजन एंड एच पॉजिटिव एंड सो इस एच पॉजिटिव आय के जनरेशन की, की वजह से क्या होगा जो ओशन वाटर है वो उसमें एसिडिफिकेशन हो जाएगा देन देर विल बी डी ऑक्सीजिनेशन ऑल्सो वेन टेम्परेचर राइजेस द सोल्यूबिलिटी ऑफ गैसेज इन द वॉटर डिक्रीजेस उसकी वजह से क्या होगा जो ऑक्सीजन और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो भी वॉटर से बाहर निकल जाएंगे सो देर विल भी डीऑक्सीजिनेशन एसिडिफिकेशन एंड स्ट्रेटिफिकेशन ऑफ द ओशन देन इट इज गोइंग टू अफेक्ट द हैबिटेट कंप्रेशन विल विल बी देयर फूड वेब डिस्ट्रप्शन बी देयर then species migration will be there and mass mortalities will be there these are these are going to be the effects of the marine heat waves next is question number 86 this is the last question with reference to cyclones consider the following statements the extratropical cyclones have clear frontal system which is not present in the tropical cyclones this statement is right जो आपके एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स होते हैं उनके अंदर डिफरेंस ये होता है कि दीज आर फ्रंटल इन नेचर दीज आर फ्रंटल साइक्लोन्स एंड ट्रॉपिकल साइक्लोन्स आर नॉट फ्रंटल साइक्लोन्स। ये किसकी वजह से बनते हैं दे विकम दे आर फॉर्म ड्यू टू लो प्रेशर कंडीशन प्रिवेलिंग ओवर ओशन और सी सरफेस सो जो ट्रॉपिकल साइक्लोन्स है वो सी सरफेस भी बन सकते हैं

एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स में जो विलोसिटी होती है विंड की दैट इज वेरी हाई जिसकी वजह से जो डिस्ट्रक्शन है वो भी बहुत ज्यादा होती है सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज राइट सेकेंड इज द ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट एंड एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन्स मूव फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो राइट थर्ड वन इज देखो दिस इज टॉकिंग अबाउट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर ओनली

The discussion is over for the ecology part. Thank you very much. I hope the, this has been helpful for you. Thank you. Welcome to test 2 of Anubhav discussion. Hope you have done well. And without much ado, let's start with our discussions. We are going to discuss history and few Indian geography related questions. So, the first question is 45th question Which of the following acts provided for the establishment of a Public Service Commission in India for recruiting civil servants. So these are the four options. So you need to identify which of the following acts provided for the establishment of Public Service Commission and this and what is the purpose of this for uh, Public Service Commission recruitment of civil servants. So you might get confused with option C. And option D. In fact, many of the students they'll mark option C as an option. But when you trace the very history of this establishment of Public Service Commission, you find it the reference of Government of India Act 1919. In fact, UPSC website, the very history of UPSC resonates the same. It identified that establishment of public service commission.

Public Service Commission. Okay. But question may directly it has been mentioned regarding the Public Service Commission. Okay. So, D is the correct option or you can say D is the most appropriate option in this question. Okay. Now, let's proceed. 46th question. The question is, which of the following rulers have been described as Lord of Dakshinapath? इन नाने घाट इंस्क्रिप्शन सो देयर आर यू कैन से टू इम्पॉर्टेंट एलिमेंट्स इन दिस क्वेश्चन दैट यू नीड टू आइडेंटिफाई अगर आपको पता होगा दक्षिणा पथ किसको बोलते हैं दिस इज द टर्म रेफर्ड टू दार्ट ठीक है एंड नाने घाट इंस्क्रिप्शन अगेन मेन्यू ऑफ यू माइट हैबाउट नाने घाट इंस्क्रिप्शन ठीक है इसको नाने घाट भी बोलते हैं नाना घाट भी बोलते हैं यू शूड इन फर्स्ट सेंचुरी बी सी बाय नागनिका ठीक है वाइफ ऑफ सत्नी फर्स्ट ठीक है सातवाना किंग सत्नी फर्स्ट एंड ये नाना घाट इंस्क्रिप्शन बहुत लोगों ने पढ़ा होगा विद रेफरेंस टू लैंड ग्रांट्स ठीक है विद रेफरेंस टू लैंड लैंड ग्रांट्स बिकॉज वन ऑफ़ दी यू कैन से अर्लीस्ट एविडेंसिस इन द कंट्री विद रेफरेंस टू लैंड ग्रांट्स वॉज टेकन फ्रॉम दिस नाना घाट और नाना घाट इंस्क्रिप्शन इशूड बाय क्वीन नागरिका ठीक है एंड वेन वी टॉक अबाउट सतकर्णी फर्स्ट सो ही वॉज द वन हु परफॉर्म्ड सर्टेन रिचुअल्स सेक्रिफाइज ठीक है लाइक वाजसुया सेक्रिफाइज राजसुया एंड इन रिटर्न ही बेसिकली ग्रांटेड लैंड ठीक है ही ग्रांटेड लैंड टू द प्रीस्ट ठीक है टू द प्रीस्ट एंड इस इंस्क्रिप्शन में द किंग सत्कर्णी फर्स्ट इज ऑल्सो मैंशं एज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणा पथ ठीक है इस क्वेश्चन में क्या हुआ नानाघाट और नानाघाट इंस्क्रिप्शन तो सबने पढ़ा है बट विद जनरली जनरली यू हैव रेड नानाघाट इंस्क्रिप्शन विद रेफरेंस टू लैंड ग्रांट्स बाय दिस सतकर्णी फर्स्ट बट यू कैन से दिस एंड द अदर थिंग इज विच इज नॉट दैट कॉमन विद रेफरेंस टू द टाइटल अडोप्टेड बाय सतकर्णी फर्स्ट दैट इज द लॉर्ड ऑफ दक्षिणा ठीक है So, in sense, may, there might be certain confusion uh, made by the students, but C is the correct option. Okay. Yes. So, let's discuss the next question, which is forty seventh question. With reference to Vedic period, consider the following statements. So, these are the three statements provided. So, we need to identify how many of the above statements given is or are correct. Okay. So, the first statement talked about Rajasuya sacrifice. In fact, when we talk about Vedic age, lots of ritual sacrifices have been performed by, I am not saying the name king, okay? because when we talk about Vedic period, so this period depicted tribal outlook. Okay? The head of the assembly was referred as Rajan instead of king. Okay? That's why you find this word Rajan. So, uh, many sacrifices were performed. One such sacrifice was Rajasuya sacrifice. Let's read this statement. Rajasuya sacrifice included a ritual chariot race in which the Rajan raced against his kinsmen and defeated them. In fact, this very statement comes out to be incorrect. Why? Because it is related to another sacrifice which is Vajapaya sacrifice take care, instead of Rajasuya sacrifice. Vajapaya sacrifice is related to the, this ritual chariot race in which Rajan. Used to compete with his kinsmen. Okay? Ultimately, the Rajan hota hai, that be, uh, had the victory over the uh, kinsmen. And this very sacrifice, Vajasuya sacrifice, is the one which denoted the power, strength, and prestige of the Rajan. Okay? But when we talk about Rajasuya sacrifice, this Rajasuya sacrifice is related to. This consecration, okay? consecration of Rajan, and why this is important? Because in this sacrifice, when the Rajan was coronated as the king, and uh, uh, this sacrifice used to strengthen the claim, okay? strengthen the claim, or you can say legitimacy of Rajan. Strengthen the legitimacy. Okay. Now, let us talk about the second statement. In Rig Veda, River Jhelam has been referred to as Vitastha. Okay. Rig Veda uh, is a period, uh, or we can say Rig Vedic period, comes out to be the, that period which spans across this 1500. बी सी टू थाउजेंड बी ठीक है एंड्रिक वैदिक पीरियड का जो भी डिटेल्स है दैट हैज बीन फाउंड इन ऋग्वेदा एंड रिलेटेड टेक्स्ट ठीक है रिलेटेड टेक्स्ट आई टॉकिंग अबाउट उपवेदा वेदांगा एंड सो ऑन सो अगेन देर माइट बी वन क्वेश्चन पॉपिंग इन योर हैड इज लाइक वेन यू टॉक अबाउट वैदिक एज वी टॉक अबाउट गंगेटिक प्लेन्स ठीक है वी टॉक अबाउट रिवर गंगा ठीक है वी एंड इन लेसर हर्ड ठीक है इन जनरल परसेप्शन अगर हम देखा जाए बट लेट्स लुक एट दिस पिक्चर दिस पिक्चर ठीक है अब आप देखोगे अर्ली वैदिक पीरियड एज आई टोल्ड यू इज नोन एज रिग वैदिक पीरियड एंड दिस वैदिक पीरियड हैज इन साइट बाय ऋग्वेदा एज अ टेक्सट ऋग्वेदा इज द अर्लीस्ट वैदिक टेक्स्ट अब आप देखोगे दिस रिग वैदिक पीरियड देयर आर यू कैन से रिवर्स एंड दीज रिवर्स आर दूज रिवर्स व्हिच इंक्लूडेड अंडर दिस इन दिस रिवर सिस्टम ठीक है इवन ऋग्वेदा में भी रेफरेंस है दैट प्लेसेस और रीजन्स विच आर बीन इनहेबिटेड Uh, in this during this Rig Vedic period, those places are do not go beyond Yamuna. Okay. Yamuna plains, ke you can say they were west of Yamuna and beyond Yamuna Kabua in the later Vedic period. And later Vedic period comes out to be that period which started in around 1000 BC and ended till 600 BC. Okay? दा yes. so, एक तो हमें पता चल गया झेलम रिवर का रेफरेंस है ठीक है बिकॉज इन दस रिवर का रेफरेंसिस है बट टू बी मोर पर्टिकुलर इन टर्म्स ऑफ फैक्ट्स की झेलम रिवर को ही वित रिवर बोलते हैं सो so ये आपको थोड़ा फैक्चुअल डिटेल पता होना चाहिए ठीक है इन फैक्ट यू पी एस सी विल नॉट आस्क हार्ड कोर फैक्चुअल क्वेश्चन ठीक है अगर कुछ फैक्चुअल क्वेश्चन देर हैजू बी सर्ट इन ट्विस्ट एंड टर्मस इस स्टेटमेंट का वेरी पर्पज ऑफ द स्टेटमेंट इज टू मेक यू अंडरस्टैंड इज ऑल्सो रेफरेंस ऑफ इन दस रिवर एंड इट्स सिस्टम वेन वी टॉक अबाउट ऋग्वेदिक पीरियड नाउट टाक अबाउट द थर्ड स्टेटमेंट विच इज गंधर्व वेद ठीक है गंधर्व वेद इज एन उप वेद एसोसिएटेड विद समावेद ठीक है वॉट इज समावेद समावेद इज वन ऑफ द वैदिक टेक्स्ट रिलेटेड टू और एसोसिएटेड विद द म्यूजिक वेन हाइम्स वर गिवन म्यूजिकल टोन्स दे वर इनकॉर्पोरेटेड अंडर द समावेद है ना हम करते ना चार वेदास ऋग्वेदा यजुर्वेदा समा एंड अथर्वा ठीक है समा इज़ दर्ड थर्ड वेदा वेन वी टॉक अबाउट दी फोर प्रोमनेंट वेदास ठीक है इन क्रोनोलॉजी ऑर्डर एंड उपवेदा क्या होता है उपवेदा इज नथिंग बट एक्सटेंशन ठीक है इज नथिंग बट एक्सटेंशन और यू कैन से ऑक्सिलरी ऑफ दीज फोर प्रोमिनेंट और इंपॉर्टेंट वेदास ठीक है अब समावेदा का उपवेदा क्या है गंधर्व गंधर्वेदा अब गंधर्व वेदा, गंधर वेदा किसके साथ डील करता है अगेन गंधर्व वेदा डील्स विद म्यूजिक ओनली बुक ऑन म्यूजिक Further extension of samaveda in general, so third be correct, hai, second be correct, hai, but first is not correct. So how many of the statements given above is or are correct? Only two. Okay, B is the correct option. Let's proceed. Forty eighth question. So there is a description provided, and this description can be related to any of these options. ठीक है एंड डिस्क्रिप्शन इज रिलेटेड डिस्क्रिप्शन अब ये क्वेश्चन क्यों पूछा है लेट्स हैव वी कैन से लिंकेज ऑफ दिस क्वेश्चन विद डेवलपमेंट हैपनिंग द कंट्री सो डिस्क्रिप्शन कैसे स्टार्ट होती है सिचुएटेड इन इथीरियल सेटिंग ऑफ एन आईलैंड ठीक है इथीरियल सेटिंग ऑफ एन आईलैंड एंड बाउंडेड बाय टू रिवर्स ऑफ कावेरी एंड कोलीदम ठीक है To Rivers of Kaveri and Kolidam. This temple is counted as the first and foremost among the 108 Divya Desams dedicated to Bhagawan Vishnu. Okay. Lots of details are there, but again, prelims is a test.

ठीक है तमिलनाडु ठीक है कावेरी रिवर तो मिलती है यहाँ पे ये एलिमिनेट नहीं हो सकता वेंकटेश्वर टेम्पल तिरुपति कहाँ पर है आंध्र प्रदेश में एलिमिनेट कर दो इसको बी को सी चिनाकेश्वर टेम्पल सोमनाथपुरा अब ये सोमनाथपुरा कहाँ पर है यू विल फाइंड दिस इन कर्नाटका ठीक है एलिमिनेट नहीं हो सकता ठीक है ज्योग्राफी के स्टूडेंट्स जोग्रफी ऑप्शनल स्टूडेंट्स बिकॉज यू जो भी करता है मेजॉरिटी ऑफ द स्टूडेंट्स देर टेकिंग जोग्रफी एज ऑप्शन दे कैन ईजली मेक आउट एंड इवन अपार्ट फ्रॉम दिस अगर आपने जनरल जोग्रफी भी पढ़ा है यू कैन ईजली मेक आउट मैनी थिंग्स कर्नाटका कर्नाटका में भी कावेरी फ्लो होती है ठीक है लास्ट ऑप्शन पदमा भा पद्मना भास्वामी टेम्पल तिरुवंतमपुरम केरला

ठीक है एंड अगेन व्हेन वी टॉक अबाउट दिस कौन सा टेंपल हो सकता है कोई भी टेंपल हो सकता है बिकॉज कावेरी से लिंक है वन ऑफ द एट दिव्या देशम्स है ठीक है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट आइलैंड यहाँ पे वी कैन से ट्रिक इज आइलैंड ऑन एन आइलैंड ठीक है एंड आइलैंड की जब हम बात करें वेन यू सी अगेन जोग्रफी वाले uh, students you can see the island is here okay? island is located in this region Sri and island ka naam hi hai ranganam island okay island ka naam hi hai ranganam island is question which jo island bola hai okay? yes so a is the correct option so it's a prelims is not only about adopting a one particular strategy you can have n number of strategy एंड आप अपनी खुद की स्ट्रैटेजी अप्लाई कर सकते हो प्रोवाइडेड यू हैव प्रैक्टिस एज मच एज एम सी क्यूज एज पॉसिबल ठीक है प्रैक्टिस इज द की हेयर नाउ लेट्स लुक एट द टेम्पल ठीक है दिस इज द वी हैव टॉक्ड अबाउट एंड द टेम्पल इज श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल ठीक है और कौन सा आइलैंड है श्री रंगम आइलैंड अब आप देखोगे पिक्चर में श्री रंगनाथा स्वामी टेम्पल इज देयर एंड इज यू विल फाइंड द एलिवेटेड पोर्शन ठीक है हेयर So this is located on an island. This is located on an island and this basically is built in Dravidian style. Take yes. Ab a question and it is related to this uh, you can say reclining sculpture uh, of Lord Vishnu. reclining sculpture of Lord Vishnu. So there are we can say many news, Related to similarity of the sculpture with the similarity of the sculpture installed in the recent Ram Mandir. Okay? So that's why this has been asked. Okay, yes. As already been discussed, A is the correct option. Now let's look at 49th question. With reference to Harappan civilization, which of the following statement is not correct? Okay, not correct. Because at times you have this tendency to overlook this not as a word. Tabi UPSC na not job mention bold or italics, mention and we have provided the same in our question paper. Okay?

आई थिंक आपकी इलेवेंथ क्लास की न्यू एनसीआरटी से ही ये स्टेटमेंट लिया गया ठीक है दे आर आर ट्रेसिस ऑफ कनाल फाउंड ठीक है एट चौर अफगानिस्तान ओके एंड इन फैक्ट वेन वी टॉक अबाउट कनाल एज एन आर्टिफिशियल इरीगेशन सिस्टम वाई आर्टिफिशियल इरीगेशन सिस्टम हैव बीन यूज ड्यूरिंग दिस इन दिस वेली सिविलाइजेशन बिकॉज दिस वेरी रीजन Where in this valley civilization was based, this region was having, we can say, scarcity in terms of water resources. Okay. Though there are references of many rivers. Okay. Like Mansar, Manhar. But those were seasonal rivers. But majority of the population, they are dependent on the rainfall. Okay. So, and uh, the region they located were dry regions. Okay. So, in this valley civilization, just sites are dry. One of the driest part of Indian subcontinent, they were located. Okay. So that's why facilities in terms of canals, reservoirs, or we can say rainwater harvesting plays a very important role. So one is correct. Unlike most Harappan cities, Lothal was divided into three parts. Okay. So we have uh, like studied that Harappan cities are divided generally into two parts: Citadel and the lower town. Okay. So you will find the रूलिंग सेक्शन इनहेबिटेड एंड दिस पार्ट इज द रूल्ड वन ठीक है बट इन सम सम प्लेसेस प्लेसेस, इन आई टॉकिंग अबाउट नॉट लोथल इन फैक्ट धोलावीरा धोलावीरा में विच इज वन ऑफ द यू कैन से न्यूएस्ट साइट्स, धोलावीरा में वी फाउंड दैट दिस सिटी धोलावीराज बीन डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट ठीक है सिडाटल के साथ इवन लोअर टाउन के साथ देर इज ऑल्सो एग्जिस्टेंस ऑफ मिडल टाउन ठीक है विट प्रोवाइडेड आर वी कैन से ट्रांजिशनल जोन बिटवीन सिडाडल एंड लोअर टाउन ठीक है सो बी इनकेक्ट है तो बी इज दी यू कैन से करेक्ट ऑप्शन एज पर दर्टी नाइंथ क्वेश्चन ठीक है सी और डी भी देख लेते हैं हम एक बार Excavations at Kalibangan yielded fire altars. This is again true, and this, this uh, you can say one of the re, uh, recent excavations. Because when you talk about Kalibangan, Kalibangan, sabne suna hoga in terms of plowed fields, okay? Plowed fields are there, but let's look at the fire altars. This is the picture, okay? This is the picture where uh, evidences of fire altars are basically seen, or this fire altar is resonated. We can say as a place where rituals or sacrifices.

एज पर द क्वेश्चन बिकॉज क्वेश्चन में आइडेंटिफाई करना इनमें से कौन सा करेक्ट नहीं है सो बी इज नॉट द करेक्ट ऑप्शन ठीक है बिकॉज इंस्टेड ऑफ लोथर धोला इज डिवाइडेड इन टू थ्री पार्ट नाउ लेट्स मूव एट क्वेश्चन विद रेफर टू एंशंट इंडियन क्वाइंस Consider the following statements. Again, coins related question. In fact, coins related questions are not uh, uh, imp important for your prelims only. They are important for your means. Okay. Means ke perspective se bhi important hai. Okay. Because um, I think in the recent time, this coinage system in the Gupta period, they have asked about this question in the means. So, one, two, three are the statements. So, coins issued by Samundra Gupta,

Kushanas were the first dynasty of the subcontinent. Okay, I'm here. We are talking about Indian subcontinent to mint large quantities of gold coins. Again, the statement is correct, taken directly from our NCRTs. When we talk about this gold coin, okay, gold coin, uh, Indo Greeks were the one who used gold coins. Okay. Uh, for the first time in a significant manner because they use the coins and the coins uh, uh, issued by them have the historical significance. First, earliest issues coins were the punch mark coins. Un coins mein kya hota tha? Bas ek mark the coins? There is no having historical significance in form of the king. What is king ne issue? Kara? Kis dynasty se linked hai? Date of issue? Any you can say symbol or uh, we can say symbolic thing on the coin? There was no such thing. सो इंडो ग्रीक्स फॉर द वन हुई शूड कॉइंस हैविंग हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस एंड वेन वी टॉक अबाउट गोल्ड क्वाइंस गोल्ड क्वाइंस के बारे में आप जब सोचोगे आपको गुप्ता क्वाइंस याद आएंगे बट गुप्ता दे इशूड द गोल्ड क्वाइंस बट वैन वी टॉक अबाउट कुशानाज बिफोर गुप्ता कुशानाज दे इशूड गोल्ड कॉइंस एंड द कॉइंस इशूड बाई कु हैव वी कैन से दे इशूड दिन लार्ज क्वान्टिटीज गुप्ता के कॉइंस वर ऑल्सो बीन देयर Uh, issued in large quantity but kushanas were the first one before Gupta to issue gold coins punch mark coins are one of the earliest discovered coins in India again statement after discuss curry one of the earliest discovered coins were the punch mark coins take and the earliest discovered coins they were silver not gold take let's have a look at the pictures this is we can say Few gold coins issued by Kushanas, and these are the you can say religious denominations, okay? Buddhism. This depicted they uh, pat uh, they extended the patronage towards Buddhism, and this is oh, you can say another you can say uh, image of the king, okay? Again, they they issued the coins depicting the image of the uh, king to strengthen their claim over the crown, okay? And this is the picture of the punch mark coins, as I said, nothing but you can say, certain marks are there, and from these marks we cannot ascertain anything of we can say uh, significance related to history. Okay, silver in, you can say number. Okay. Moving back to our question 1, 2, 3. all these statements are correct. So how many of the statements given above is or are correct? All three. C is the correct option.

सो वन सच क्वेश्चन इज दिस द वेल नोन पेंटिंग लेडी विद मीना बिलोंग्स टू विच ऑफ दिज स्कूल ठीक है तो तंजौर गोलकोंडा कांगरा बेंगल स्कूल आर देयर अगेन फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पता होगा इस पेंटिंग के बारे में देन यू कैन इजली मेक आउट लेट्स लुक एट दिस पेंटिंग दिस इज द पेंटिंग दैट है क्वेश्चन लेडी विद मीना एंड दिस पेंटिंग बिलोंग टू Golconda School. Golconda School is one of the sub-schools under Deccani School of Painting. Okay? Deccani School of Painting. And what are the important key features of uh, Golconda School? Golconda Con School is uh, basically is highly influenced from the Persian style. Okay? highly influenced from the Persian style, especially when we talk about miniature paintings okay the soberness of the colors used in fact the richness of the painting you can easily make out okay. lady wearing gold ornaments take okay. a golconda at that time people they used to wear this gold ornaments so this richness of the golconda period also depicted in terms of the you can say paintings in the ornaments

हमें इस इवेंट्स के बारे में लेट्स हैव यू कैन से ब्रीफ डिस्कशन अबाउट दीज इवेंट्स एंड वी नीड टू अरेंज दीज इवेंट्स इन दी करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ठीक है सबसे पहले इवेंट कौन सा हुआ था फिर उसके बाद कौन सा एंड द लास्ट अक्रेंस फर्स्ट लेट्स लुक एट रंपा रिबेलियन लेड बाय अल आरू सीता राजू और ये क्यों पूछा गया बिकॉज ऑफ आर 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 मूवी ठीक है वन ऑस्कर है ना एंड दिस इज द रिबेलियन वी आर टॉकिंग अबाउट द इनटीन ट्वेंटी टू ठीक है दिस इज द रिबेलियन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस 1922, एंड दिस रिबेलियन इज अगेन वन ऑफ यू कैन से अपराइज़िंग्स जो पीजेंट एंड ट्राइबल अपराइजिंग की कैटेगरी में हम डाल सकते हैं इसको एंड द रीजन्स विल फाइंड इट एंड इवन रंपा रिबेलियन यहाँ पर व्हेन वी टॉक अबाउट कब कहां पर हुआ था मद्रास प्रेजिडेंसी में हुआ था ठीक है मद्रास प्रेसिडेंसी में हुआ था एंड वी कैन से द रीजन आर वी कैन से एट्रोसिटीज कमिटेड बाय द ऑफिशियल्स एंड द पीजन ट्राइबल रिवेलियन में हम डाल सकते हैं इन टर्म्स ऑफ़ वी कैन से हाई ठीक है हाई और एक्सॉर्बिटेंट यू कैन से लैंड रिवेन्यू डिमांड्स ठीक है जितना उनको उनके पास आता नहीं था बाय सेलिंग देयर क्रॉप्स

This, the reason is uh, the, uh, we can say, the region of Velour, okay, and uh, the soldiers, Indian soldiers, they have been asked, they have been asked to change their, you can say, physical appearances. Okay? Certain rules were imposed, like Mus uh, Muslims, they need to have this clean shave. Okay? And for Hindus, they need not to put uh, some tilak on their forehead. ये सब रिस्ट्रिक्ट हो गया था बट वट हैपन्ड इज दिस वेरी यू कैन से रिस्ट्रिक्शन ऑन दी और रिस्ट्रिक्शन ऑन द रिलीजियस ट्रेट्स दिस इंफ्यूरिएटेड द सोल्जर्स एंड वी कैन से डिक्लेयर आ म्यूटनी अगेंस्ट ऑफिशियल्स। नेक्स्ट वी कैन टॉक अबाउट संथल रिबेलियन अगेन संथल एंड ट्राइबल सॉरी संथल डेकन राइट आपने सुना होगा ठीक है अगर आप देखोगे डिफरेंट डिफरेंट डेट्स भी है बट द मोस्ट प्रोमिनेंट वन वी आर टॉकिंग अबाउटी सिक्स ठीक है अब ये संथल रिबेलियन इज लार्जली अगेंस्ट दिन होली

ठीक है एंड ऑन द अदर हैंड जब डिमांड होती थी लैंड रिवेन्यू का जब डिमांड होती थी अगेन द डिमांड ऑफ लैंड रिवेन्यू वॉज क्वाइट हाई ठीक है क्वाइट हाई एंड इट वॉज रीच टू दी यू कैन से हाइएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल लेवल सो व्हाट हैपन्ड इज द द पीजेंस दे वर नॉट एबल टू Pay back. They were not able to pay back, and once they are not able to pay back, so what is happening is this vicious circle of uh, forfeiting their land and uh, uh, push them into poverty. So, this all this happened, and what happened is in frustration, in fury, in uh, we can say because of discontentment, these on they revolted back. So, it happened in 1855 56. Now, let's talk about the Deccan rights. Deccan rights happened in 1875 ठीक है अब डेकन राइट्स आर लार्जली लार्जली डायरेक्टेड अगेंस्ट मनी लेंडर्स ठीक है नाउ अंडरस्टैंड वन थिंग अब क्या होगा उनके पास पैसा ही नहीं है इतने हाई रेवेन्यू डिमांड्स मीट करने के लिए और हाई टैक्सेस देने के लिए अब वो क्या करेंगे बोरो करेंगे अब बोरो किससे करेंगे मनी लेंडर से अब मनी लेंडर्स देवर क्वाइट यू कैन से श्रूड इन टर्म्स ऑफ क्या होता था इफ दे आर बोरोइंग हंड्रेड रुपीज ठीक है अगर प्रिंसिपल हंड्रेड रुपीज़ है आफ्टर यू कैन से सिक्स मंथ्स और आफ्टर वन ईयर इस हंड्रेड को दे टर्न इट एज थाउजेंड ठीक है एज इंटरेस्ट सो यूल सी प्रिंसिपल वॉज लेस देन द इंटरेस्ट दे डिमांडेड सो दिस अट्रॉसिटीज ऑफ मनी लैंडर्स अगेन इन्फ्यूरिएटेड दी कैन से डेकन पीजेंट्स एंड किस टाइप का लैंड रिवेन्यू अरेंजमेंट था डेकन में रेयत वाली अरेंजमेंट था सो अगेन दे हैड नो अदर ऑप्शन टू बेसिकली फाइट बैक एंड दिस है ट्राइबल पीजेंट और म्यूटनी बाय दीजर बेसिकली ऑल दीज वर सप्रेस्ड ऑल दीज वर सप्रेस बाय द ब्रिटिश ऑफिशिय सो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर अगर हम देखा जाए सबसे पहले हुआ था वेल और म्यूटनी ठीक है so, सो टू कौन सा है बी और डी में के बाद हुआ था वी हैव दिस दिसबेलियन थ्री इज द सेम अब फोर पहले हुआ था वन पहले हुआ था फोर है एटीन सेवन बाद में सो डी इज द करेक्ट ऑप्शन ओके क्वेश्चन लेट स्टॉक अबाउट दिस क्वेश्चन कंसिडर द फॉलोइंग इंडियन फ्रीडम फाइटर्स ठीक है अब

ठीक है सो वेन यू टॉक अबाउट अभिनव भारत सोसाइटी फॉर्मड इन दी यू कैन से अर्ली नाइनटीन सेंचुरी सॉरी अर्ली ट्वेंटी सेंचुरी एंड वन ऑफ दी यू कैन से अर्लिएस्ट सीक्रेट सोसाइटी ठीक है सीक्रेट सोसाइटी सोसायटी टॉकिंग अबाउट दी यू कैन से रेवल्यूशनरी अर्लीस्ट रेवल्यूशनरी सीक्रेट सोसाइटी ठीक है बिकॉज The emergence of the phase of revolutionaries in the country started with the, you can say, haplessness of nationalists because उन्होंने moderates, extremists, say uh, they were not able to uh, fulfil what uh, what are the you can say needs and requirements of the masses. And they had this notion in their mind that Britishers or their oppressors, they hear only one language, that, that is the language of pistols and bombs. And so they started unleashing violent activities. First it started in the form of secret societies, as you can say, unorganized and haphazard uh, and, uh, manner. And later on, when we talk about... Um, you can say, uh, advent of leaders like uh, Subhash Chandra Bose or somewhat we can talk about Gadar Party, they uh, made the attempt to make it a more organized, in a more organized manner. Okay? In fact, 1930s made the efforts of Bhagat Singh and uh, suresen Singh, they were quite prominent. So, this is the society that started in the early 20th century by V.D. Savarkar and having the same notion, that is uh, using violence as a means to Propagate their ideas as a means to meet their demands. Second is the Subhash Chandra Bose Free India Legion. Again, this is one of the we can say simplest matching because Subhash Chandra Bose is having this notion to free India from the clutches of the Britishers uh, do, um, via direct action via direct action and he wanted to create a free India and he was not in a you can say position to make any sort of <clears throat> compromise in terms of holding negotiation arbitration no he was just like exit our country and that exit our country through violent he used this violent means third is Prithilada wadekar again Prithilada Vadekar is a famous name related to Chittagong Armory Raid okay Chittagong Armory Raid ठीक है सो दिस पेयर इज़ नॉट करेक्ट बिकॉज इट शी वॉज रिलेटेड टू गॉन्ग आर्मी दिस आर्मरी रेड विच स्टार्टेड इन द अर्ली नाइनटीन थर्टीज अंडर द लीडरशिप ऑफ सूर्य सेन ठीक हैंगल एंड अनफॉर्चुनेटली शी अटेंड मार्टिन डम एंड शी वॉज वन ऑफ द यू कैन से स्ट्रोंगेस्ट फ्रीडम फाइटर नेक्स्ट इज सचिंद्रनाथ सन्याल जिनको हम एस एन सन्याल भी बोलते हैं सो ही वॉज द वन एसोसिएटेड विद हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन ठीक है अगेन इम्पॉर्टेंट रेवोल्यूशनरी ग्रुप स्टार्टड इन नाइनटीन ट्वेंटी फोर ठीक है एंड स्पेसिफिकली वेन यू टॉक अबाउट हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन दिस ग्रुप वॉज लार्जली इन्वॉल्व इन मैनुफैक्चरिंग ऑफ बॉम्ब्स इन रीजन्स लाइक बंगाल ठीक है इवन झारखंड में बी दे मैनुफैक्चर बॉम्ब ठीक है एंड Further events we already aware because Britishers they were uh, able to identify their manufacturing spots and they all were imprisoned. Kay? So third and fourth are not correct. So, how many of the above pairs are correctly matched? Only two are correctly matched, that is two pair. Because at times you will find the pairing wala question the question largely B is the correct option. Kay? So again, last year Joe how many of the above? सो जो दो ऑप्शन थे बिकॉज दे हैव एलिमिनेटेड दिस यू कैन से एलिमिनेशन मेथड इज़ वन एंड टू टू एंड थ्री हाउ मेनी दे आर टॉकिंग अबाउट एन नंबर्स हाउ मेनी ऑफ द स्टेटमेंट आर इज ऑर आर करेक्ट जनरली जब ऑब्जर्व करते हैं ट्वेंटी ट्वेंटी थ्री का जो क्वेश्चन पेपर दो स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी करेक्ट और इनकरेक्ट इन जनरली बट डू नॉट फॉलो दिस स्ट्रैटजी इस साल कुछ भी हो सकता है ठीक है सो यूज़ योर ड्यू डेलीजेंस नाउ 54th question is with reference to Mathura School of Sculpture, which of the following statements is or are correct? Two statements given. So, we need to identify in my the statement correct. So, the first statement is blue stone and stucco were the most common materials used for creating the sculpture. In fact, the statement is not. प्रूफ ऑर मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पर बिकॉज मथुरा इज अ रीजन इज अ रीजन जहाँ पे रेड सैंडस्टोन बहुत प्रोमोनेंट है ठीक है इवन आपको अगर आपने मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पर पढ़ा होगा आप देखोगे इसमें भी रेड सैंडस्टोन इज क्वाइट प्रोमोनेंट और यू कैन से व्हाइट डॉटेड रेड सैंडस्टोन इज क्वाइट प्रोमोनेंट ठीक है वाइट डॉटेड रेड सैंडस्टोन ठीक है वेन यू टॉक अबाउट ब्लू और ग्रे और स्टू को ठीक है दिस इज द स्टेटमेंट विच इज ट्रू फॉर दिस गांधारा स्कूल ऑफ स्कल्पचर ठीक है नॉट नॉट मथुरा ठीक वन इज इज करेक्ट द थीम्स ऑफ डिस्कवर्ड इमेज बिलोंग टू बुद्धिज्म ब्राह्मणिज्म जर्निज्म अगेन दिस इज ट्रू ठीक है बिकॉज वेन वी टॉक अबाउट दिस मथुरा स्कूल ऑफ स्कल्पचर दे आर हैविंग दे बिल्डेड Uh, this uh, images of uh, brahmanism, they build the images of jainism, buddhism. but when you talk about gandhara school of sculpture, they are primarily they are prim primarily buddhist in nature. Okay? second is correct. so conza correct option amara 2. that is b is the correct option. now let's look at 55th question. the question is with respect to bhakti saints of india. Okay. Consider the following statements. These are the three statements given and we need to identify how many of the statements given above is or are correct. We need correctly okay. identify the statements. So the first is Sant Kabir. Sant Kabir belongs to Nirgun Bhakti tradition. So again, in Bhakti tradition, there are, we can say, you will find mainly two types, Nirgun form of Bhakti, Sagun form of Bhakti. Nirgun form of Bhakti, they are worshipping God in एबस्ट्रैक्ट फॉर्म ठीक है दर इज़ नो वन स्पेसिफाइड इमेज ऑफ गॉड ठीक है सगुन फॉर्म ऑफ भक्ति दे आर यूजिंग और बेसिकली दे आर वर्शिपिंग गॉड इन द फॉर्म ऑफ स्टैचूज ठीक है वेन यू टॉक अबाउट कबीर कबीर खुद ही बोलता है राम रहीम अल्लाह कुछ भी बोलो There is existence of one God, monotheism pe belong, believe karta tha Kabir and he mentioned that, uh, this as Ram Rahim Allah. There are different, different names of the God and he believed monotheism. That is, he believed in the abstract form of worship, that is the nirgun form of bhakti, ye correct hai. When you talk about even uh, bhakti saints like Meera she worshipped the statue of Lord Krishna. So, that was the sagun form of bhakti. Second is Sant Tukaram.

वेन यू टॉक अबाउट तुकार और वेन यू टॉक अबाउट एक नाथ ज्ञानेश्वर दे ऑल बिलोंग टू वरकारी सेक्ट ठीक है दैट इज दर्शिप ऑफ लॉर्ड विथिला विच इज द लोकल फॉर्म ऑफ गॉड बिलोंग टू लॉर्ड विष्णु ठीक है बिकॉज़ वेन यू टॉक अबाउट भक्ति ट्रेडिशंस क्या होता था देर इज़ इन द मिडीवल हिस्ट्री देर इज़ यू कैन से मिकसिंग अप मिकसिंग अप ऑफ ग्रेट ट्रेडिशन विद द लिटिल ट्रेडिशन ग्रेट ट्रेडिशन वी कैन टॉक अबाउट द ट्रडिशन इमिनेटिंग और अराइजिंग फ्रॉम द रूलिंग क्लासेज ठीक है एंड लोकल ट्रडिशन वी आर द वी विल टॉक अबाउट द ट्रडिशन ऑफ द रूल्ड वन और द ट्रडिशन बिलोंग टू द पीजें डाउन रॉर्डन एंड एवरीथिंग अब क्या हुआ वेन जब कल्चर मिक्स होता है अपर स्ट्रेटा का और लोअर स्ट्राटा का दे ट्राई टू मिक्सअप द कल्चर एंड उस कल्चर का मिक्सअप इज सम लोकल फॉर्म ऑफ डाइटी ठीक है कल्चर का मिक्स अवे सम लोकल फॉर्म ऑफ डाइटी एंड वारकारी सेक्ट इज वन सच एग्जांपल थर्ड हम देखें लॉर्ड बसावना ठीक है इज एसोसिएटेड विद लिंगायत सेक्ट ठीक है लिंगायत सेक्ट को हम वीराशेवा सेक्ट भी बोलते हैं सो दे वर्शिप लॉर्ड शिवा ठीक है दे वर्शिप लॉर्ड शिवा एंड दिस वीराशेवा सेक्ट इज हैज बेसिकली स्टार्टेड with the efforts of basavana earlier he was a brahmana okay? in the chalukyan kingdom so later on he started this uh, practice of uh, creating a new sect which is lingayat sect which involved the worship of uh, uh, lord shiva in the form of ling okay? the, in the form of ling and the, uh, this sect propagated some uh, progressive um, features of bhakti movement that is promotion of uh, equality in the society uh, Work for the emancipation of women and do not create any sort of we can say caste distinction. Okay, and in news may uh, This uh, Basavana sect because they are demanding separate religious status. So all these three statements, take care, except one, take care. No, all these three, three statements. Sorry, all these three statements. One, two, three. They all are correct. Take care.

डिनोटेड और रिलेटेड टू ग्रामर ठीक है मैथमेटिक्स नहीं है बिकॉज दिस क्वेश्चन इज अ फैक्चुअल क्वेश्चन अगर आपको पता होगा यू कैन मेक आउट ओके एंड ही वन ऑफ यू कैन से नाइन जेम्स इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त सेकेंड ठीक है यस सेकेंड पेयर इज अबाउट रोमाका सिद्धांता ठीक है रोमाका सिद्धांता is related to astronomy correct and written by none other than Vara mihira so he mentioned about certain astronomical units and their effects on our body and other, other astronomical concepts so this book is you can say correctly matched third is lilavati lilavati is not related to poetry in fact lilavati is related to mathematics okay? written by bhaskara ठीक है रिटन बाय भास्कर इनफैक्ट फैक्ट देर इज अ बुक सिद्धांता शिरोमणि बाय भास्कर अगेन अ बुक डिवोटेड टू रिलेटेड टू मैथमेटिक्स एंड लीलावती इज वन पार्ट ऑफ सिद्धांता शिरोमणि लीलावती इज वन पार्ट ऑफ सिद्धांता शिरोमणि एंड दिस लीलावती इज चैप्टर ही Devoted, or you can say he uh, this chapter he devoted to his daughter. Okay, was Okay, yes. So uh, one and two, two pairs are not correct. Only one pair is correct. That is pair two. So we need to identify how many of the pairs are correct. Only one pair is correct. That is A is the correct option. Now fifty seventh question which of the following empire is associated with Saranjum system so this sarangam system again factual question you can easily make out so this sarangam system existed during the period of maratha kingdom so this sarangam system is a type of land revenue settlement and here land revenue settlement was made at यू कैन से इंडिविजुअल लेवल ठीक है पीजेंट के साथ ही स्टेट इज द पीजेंट सो इट इज अफ रेत वाली सिस्टम एंड वट एवर है पहले से ही हीस कर देते हैं और यू कैन से सेटिमेटेड लैंड रेवेन्यू वॉज डिसाइडेड एंड जो एस्टिमेटेड लैंड रिवेन्यू दैट वॉज ओनली कलेक्टेड एंड इन फैक्ट देर Given the responsibility to maintain law and order as well. Okay. Yes. Simple system hai, Or many features of Rayathwari you can find it here. Okay. And especially when you talk about Maratha Kingdom, so they laid emphasis that exploitation, uh, na ho, peasants ka? So there was close check in terms of uh, establishing, the, establishing the accountability of the revenue collectors. ओके सिंपल क्वेश्चन डी इज द करेक्ट ऑप्शन फिफ्टी क्वेश्चन प्रति सरकार अ फॉर्म ऑफ पैरल गवर्नमेंट ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाज़ प्रोक्लेम्ड इन इनमें से कौन से पार्ट में अगेन प्रति सरकार अगर आपने पढ़ा होगा दैट एस्टैब्लिश्ड ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट एंड आई वुड लाइक टू से इन टर्म्स ऑफ पैरल मूवमेंट पैरल गवर्नमेंट ठीक है इट द लॉन्गेस्ट ठीक है इट वॉज द लॉन्गेस्ट इवन गांधी जी ने भी बोला है गांधी जी गिव द कॉल टू विदड्रॉ द मूवमेंट बट द पीपल दे डिडेंट पेड हीट ठीक है द पीपल दे डिट पे हीट सो दिस है सतारा डिस्ट्रिक्ट ठीक है ऑफ महाराष्ट्र लेट्स टॉक अबाउट पैरेलल गवर्नमेंट पैरेलल गवर्नमेंट इज एक तो गवर्नमेंट एस्टेब्लिश करता है ब्रिटिश अथॉरिटीज अनादर गवर्नमेंट एस्टैबलिश बाय द रिबेलियंस बाय डिफाइंग by defining the already existing state architecture because quit india movement was one of the spontaneous one of the revolutionary movement and in this movement they had the complete we can say only and only objective is for the britishers to quit india to quit india and uh, transfer uh, this uh, sovereignty um, to us so when we talk about satara it was one of the you can say volatile movement and here the parallel government was established at uh, you can say at different different corners and what was the reaction of the people how they uh, uh, became successful in ousting the Britishers they started attacking the state apparatus, whether it is local court or police stations they uprooted the railway tracks so that uh, the uh, we can say uh, easily uh, easy mobility of the soldiers to crack down the rebellions won't be there so, these are the important developments they established and they established law and order established and they started defining the already been existing state apparatuses. So, B is the correct option. Now, let's look at 63 question with reference to Sangol installed in the new parliament building of India. Consider the following statements. अभी संगोल है क्या? it was very much in news let's have a look this is the sangol theek hai this is the sangol we are talking about and this is has been installed and it is a very good uh, very impressive piece of art and this has been installed in the newly inaugurated parliament building ab ye sangol ka thoda hum history de dekhte hain sangol you will find the sangol uh, has been uh, you can say uh, there is a reference of sangol यूल फाइंड ड्यूरिंग द चोला पीरियड ठीक है चोला पीरियड है एंड एज अ पिक्चर यू कैन सी वट इज हंगोज इट इज़ अ सेप्टर ठीक है जब किंग कुछ कोई बनते हैं अपने हाथ में एक सेप्टर पकड़ते हैं एंड दिस सेप्टर डिपेक्टेड द पावर ठीक है अथॉरिटी एंड और यून से अल्टीमेट पोजिशन एंड इट हैपन ड्यूरिंग द चोला एरा बिकॉज वेन यू टॉक अबाउट चोला पीरियड वी थिंक ऑफ इम्पेरियलिज्म ठीक है वी थिंक ऑफ इम्पेरियलिज्म एंड दिस डिपेक्टेड द Symbol of authority and power, and our parliament is having. We can say is, is is in is in a position. Or I'm not saying parliament is the supreme authority. Parliament, because when we talk about uh, we can say political system of our country, we are having this fine uh, synthesis or fine mixture of uh, sovereignty, parliamentary sovereignty, and judicial supremacy. Okay, which is supreme in our country. That is the constitution, law of the land. Okay, and that is the supreme in our country. But when you talk about our parliament, parliament is a we can say sovereign body that can make its own laws okay? and uh, is not having we can say outside interferences. Okay? So Gupta period mein, to uh, rulers they used to hold these scepters, and what this scepter depicted symbol of authority, power. Okay? And again, this is a very important part that even uh, signifies the or basically, strengthen their legitimacy. Okay, a like king, Jabba, uh, uh, when wa there was a show of coronation of king, he used to uh, celebrate it with great pomp and show, and by holding the scepter, this uh, basically create a huge impression among the audiences that the the we can say the legitimacy of the king is supreme. Okay, now when we talk about the history of Sangol, we refer it when uh, India got Independent when India got independence, so Lord Mountbatten he handed over this Sangol to Nehruji. Okay. And this uh, handing over Sangol to Nehruji means transfer of the power from British to Indian control. Okay. Transfer of power from British to Indian control. Another important fact in terms of Sangol you need to be aware about is the you can say the at the above. Uh, what is being depicted is Nandi, Nandi bull, and this Nandi bull uh, symbolizes strength and justice. Okay, this type of question important hai in uh, when we talk about your prelims as well as your means. Because again, if you recall, there was a very you can say comprehensive question uh, the UPSC has asked last to last year regarding the significance of lion and bull in, in, in Indian mythology. Okay. So significance of lion and bull in Indian mythology, Here, there you can add one aspect of Nandi bull, what it signifies? Justice and strength. Now moving to our question, 1, 2, 3, let's read this statement. Sangol was a symbol of path of duty, service and nationhood in the great Chola empire. Yes, because though uh, this is the, you can say symbol of strength, Power, prestige, but with this strength, power, prestige comes the responsibility responsibility to serve the country, responsibility to dedicate their lives towards the you can say uh, to the life of the people. So, this is the you can say correct statement. And Sangol, as we talked about the history related to Chola Empire, it is a symbol of India's independence that signifies the transfer of power from the British to Indians. Na na? Uh, uh, this uh, erecting Sangol in the new parliamentary building doesn't mean that uh, this our parliament is uh, supreme. It means that we are a sovereign body. Parliament is a sovereign body, capable of making its own rules and uh, uh, rules regulations without any outside interference. Okay, and simply means that transfer of power from the British to Indians. Third is Dharmachakra is hand carved at the top of the singhal symbolizing justice no abhi recently amra Nandi nandibul has been carved out at the top instead of dharm chakra so third is not a correct statement so how many of the statement given above is or are correct only two statements are correct so b is the correct option now let's look at few Geography related question, Indian geography to be more specific. 74th question. Consider the following statements with respect to jet streams. Okay? So these are the two important statements, and jet stream is a very important, or you can say favorite topic of UPSC, jet streams kya hota hai uh, strong winds that are circulating in the upper air. Okay? Upper uh, or you can say upper layer winds are jet streams. And when we talk about uh, the formation of cyclones, the jet streams plays a very important role in the formation of uh, uh, cyclonic conditions because they are the one which responsible to uh, create cyclonic disturbances. And jet streams are important more specifically when I'll talk about this sub, uh, subtropical jet streams. Okay? They are important for we can say in during the winter season to bring the winter rainfall. Okay? jet streams are important for the summer season. jet streams create such pressure-like situation in the country uh, that diverted rivers or moisture-laden winds into our country and what happened is during the uh, winter, uh, sorry, during the monsoon season, it led to the downpour. streams in these two statements, subtropical jet streams आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेस्टर्न साइक्लॉनिक डिस्टर्बेंसिस इन द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया ठीक है एक चीज़ आप याद रख लेना ठीक है वैन यू लाइक लिंक द मैकानिजम ऑफ जेट स्ट्रीम्स एंड रेनफॉल इन इंडिया वेदर विंटर सीजन और मानसूनल सीजन आप एक चीज़ लिंक रखना जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बात होती है ठीक है ये जब वेस्टर्ली जेट स्ट्रीम के बारे में बात होती है दे आर रिस्पांसिबल फॉर विंटर रेनफॉल ठीक है एंड व्हेन वी टॉक अबाउट ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स दे आर लिंक्ड विद दी मॉनसून रेनफॉल ठीक है यस yes. कैसे क्या पूरा मैकेनिज्म सो so, अ uh, I'll not explain in detail. Let's have a brief glance. What happens over the Mediterranean region? Over the Mediterranean region, cyclonic, uh, you can say, uh, depressions will be created. Okay, cyclonic depressions will be created, and jet streams in the form of westerly jet streams are created. Okay. At the upper level, creating a uh, high pressure-like situation. Now, what These westerly jet streams have been created over uh, this uh, over this uh, Mediterranean region. So, through the impact of westerlies, hai, they are under the influence of westerlies. So, westerly jet streams. Bola hai, hai? over the Mediterranean Sea, cyclonic uh, depressions will be created. And these cyclonic depressions uh, create a, a jet streams and through the, uh, you can say, under the influence of Westerlies, okay? Westerlies are the trade winds and through the uh, influence of Westerlies, they started basically shifting eastwards. Okay? They started shifting east, east eastwards and um, eastward shift, we can talk about this. Okay. Towards Indian subcontinent, and uh, on their journey in Afghanistan, Pakistan, they shed the moisture. Okay? they shed the moisture, and once they reached India, most specifically northwestern part, and uh, you can say, and uh, this northwestern and northern part, they shed moisture. Okay, in the form of winter rains, in the form of winter rains, and this winter rains are beneficial for rabi cultivation. For crops like wheat. Okay, so what is happening is we are having influence of westerly jet streams during winters. Now, what is happening is the shift in the season. Shift in the season. And with the shift in the season, this westerly jet stream start dissipating. We started basically phasing out, started moving upwards and uh, what is uh, what has been created then other you can say jet stream another jet stream that is uh, upper level air circulation or wind created and that wind comes out to be easterly jet stream okay the winters okay westerly jet stream इंडिया सब कॉन्टिनेंट छोड़ देती है एंड इट वॉज रिप्लेस बाई ईस्टरली जेट स्ट्रीम ठीक है इट वॉज रिप्लेस बाई ईस्टरली जेट स्ट्रीम सेकेंड क्वेश्चन इज ट्रॉपिकल ईस्टरली जेट स्ट्रीम्स ब्लोज ओवर पेनिसुलर इंडिया ड्यूरिंग समर मंथ्स दिस इज क्वाइट ट्रू ठीक है दे ब्लो ओवर पेनुसुला ड्यूरिंग द समर मंथ्स बिकॉज वांस विंटर्स गॉन विद द अराइवल ऑफ समर एज आई टोल्ड यू दीज वी विल बी रिप्लेस बाई ईस्टरली जेट स्ट्रीम ठीक है बिकॉज नाउ जेट स्ट्रीम इज वॉट हाई ऑल्टीट्यूड विंड्स जैसे मैंने बोला अपर एयर सर्कुलेशन है नाउ दिस जेट स्ट्रीम्स विल कम इन टू कॉन्टेक्ट विद ईस्टर्ली विंड्स ठीक है दे कम इन कॉन्टैक्ट विद द ईस्टर्ली विंड्स दैट्स वाई दे आर टर्म्ड एज ईस्टर्ली जेट स्ट्रीम्स ठीक है सो वन एंड टू दे बोथ आर करेक्ट सो विच ऑफ द स्टेटमेंट्स गिवन अबव इज और आर करेक्ट सी दैट इज बोथ वन एंड टू आर करेक्ट 77th question. Consider the following statements regarding the monsoon uh, sorry regarding the mountain passes in India. One, two, three passes have been given. So we need to identify in se konsa correct description a passes ka. First is Bombdila Pass. Let's look at the Bombdila Pass through this picture. So you can see Bombdila Pass is located in Arunachal Pradesh. Okay. Let me change the pen.

चाइना दिस दीपू पास ट्राई जंक्शन ऑफ इंडिया चाइना एंड म्यानमार, ठीक है वन ऑफ द मोर आई वुड से स्ट्रैटेजिकली लोकेटेड सो अगेन, सेकंड इज करेक्ट लेट्स हावअ लुक एट दर्ड स्टेटमेंट खार्डंगला इज सिचुएटेड नॉर्थ ऑफ लेन द लद्दाख रेंज एंड लिंक इन दस एंड शोक रिवर वैलीजी लुक ठीक है खारडंगला का बस ये गिवन है पोजिशन ले में तो सिचुएटेड है बट वेन वी टॉक अबाउट लिंकिंग इन दस विद शोक वैली अगेन दिस फैक्ट इज करेक्ट ठीक है दिस फैक्ट इज़ करेक्ट और इतना कुछ मुश्किल फैक्ट नहीं है वेन एवर यू पी एस सी विल प्रोवाइड यू सर्टेन फैक्ट्स दे विल बी इन द न्यूज और दे विल बी टेकन फ्रॉम द एनसीआर ओल्ड प्लस न्यू और अदर अदर ऑथेंटिक गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स बिकॉज गवर्नमेंट की टाइम एंड अगेन कीप रिलीजिंग द इम्पॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स डिपेंडिंग ऑन द करंट डेवलपमेंट रिलेटेड सिचुएशंस ठीक है ठीक है सो अगेन थर्ड इज द करेक्ट Statement. So 2 and 3, they both are correct. How many of the statements given above is or are correct? Only 2. So B is the correct option. Now let's look at a T question. Consider the following statements regarding northern plains of India. Physiography ceiling question. And these are the three statements given. We need to identify in my statements correct so the first is western part of northern plains has doabs. Okay. doabs are basically uh, are the fertile lands. Uh, they are the area drained by the rivers and very fit for the cultivation. now uh, it talked about the northern plains having doab. ठीक है इट टॉक अबाउट द वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स हैविंग दोआब ठीक है बिकॉज अगेन दिस इज अ काइंड ऑफ अ जनरल स्टेटमेंट आप देख सकते हो नॉर्दर्न प्लेन्स कैसे फॉर्म हुआ है दीज आर द एरियाज दे फॉर्म्ड बाय सिल्ट डिपॉजिट्स कैरिड बाय द रिवर सिस्टम लाइक इन दिस गंगा ब्रह्मपुत्र एंड मोर स्पेसिफिकली जो वेस्टर्न पार्ट ऑफ नॉर्दर्न प्लेन्स है एंड वो दोआब वाले रीजन region, uh, है क्वाइट सिंपल है बिकॉज दीज आर द फर्टाइल रीजन्स ड्रेनड बाय द रिवर ये बहुत सिंपल है रीड करते ही आपको पता चल जाएगा ये करेक्ट स्टेटमेंट है ठीक है लेट्स लुक एट द सेकेंड स्टेटमेंट गंगा प्लेन्स एक्सटेंड बिटवीन घाघर एंड तस्ता रिवर्स ठीक है घाघर एंड तिस्ता रिवर के बीच में इज गंगा प्लेन्स लेट्स लुक एट द पिक्चर सो गंगा प्लेन्स अगर हम ट्रेस करें हेयर यूल फाइंड घाघर रिवर ठीक है ओरिजिनेट हो रही है तिस्ता रिवर ज द पेन सॉरी घाघर दस्ता रिवर ऑरिजिनेट हो रही है एंड द वेरी एग्जैक्ट ऑफ एक्सटेंड ऑफ द गंगा प्लेन इज दिस ओनली आगे इन दिस स्टेटमेंट इज टेकन फ्रॉम द गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और गवर्नमेंट सोर्सेज एंड दिस इज अवन ऑफ यू कैन सेट इज नॉट कॉमनली हर्ड स्टेटमेंट ये बहुत कॉमनली हर्ड स्टेटमेंट अगर आप गंग ये नॉर्दन प्लेन्स के बारे में पढ़ोगे तो ठीक है So, second is the correct. First is also correct. Northern plains are flat land with no variations in its relief. Again, this is the statement that resonated extremity. Now, one thing to keep in the statement is extreme. Hoti hai, usko carefully you need to read carefully. Northern plains having no, uh, you can say.

so these are the variations we'll, be, we'll talk about so third is not a correct statement one and two are correct so again our option comes out to be b okay now 84th question consider the following statements three statements are given again reversal link statements and we need to identify in mesiconsi statements correct so

ठीक है नियर दिस पीलीभित रीजन एंड आफ्टर दिस ओरिजिनेशन इन दी लोअर रिचिज ऑफ हिमालय स्टार्टेड मूविंग मूविंग एंड स्लोली एंड ग्रेजुअली यू सी दिस मीटिंग ऑफ गोमती रिवर एंड दिस वेरी एरिया इज़ नियर वाराणसी ठीक है वाराणसी इज दिस बिकॉज क्वेश्चन में नियर लिखा है एट वाराणसी नहीं है नियर और एट में यू नीड टू मेक अ डिस्टिंक्शन ठीक है सो स्टेटमेंट कम्स आउट टू बी करेक्ट Okay, this is a correct statement. Next is Sabarmati flows through Dharoi Gorge. Okay, Sabarmati flows through Dharoi Gorge. What is Gorge? Gorge is basically a narrow valley. Okay, a narrow valley with steep, uh, we can say surrounded by steep slopes and through this valley, rivers are basically, river is flowing. Okay, river is flowing in this narrow valley surrounded by steep slopes. This is Gorge. अब क्या होता है रिवर्स दे इन दे डिफरेंट डिफरेंट स्टेजेस दे आर सब्जेक्टेड टू इरोजन एंड डिपोजिशनल फीचर्स एंड ये जब गॉर्ज हैं गॉर्जेस इज वन ऑफ द इरोजनल फीचर क्रिएटेड बाय द रिवर बिकॉज रिवर दे हैव दिस वी सर्टेन डेप्थ एंड इंटेंसिटी दे आर इन अ पोजिशन टू काव आउट सर्टेन वीकेन से गॉर्जिज ओकेट्स लुक एट द स्टेटमेंट And link it with the this one. This is the we can we talked about Sabarmati River, okay? And it is um, <clears throat> uh, this is the Sabarmati River, and the flow of the and Sabarmati River uh, rises near uh, Aravali Aravali, and uh, after this uh, rise from Aravali, it flows southwards, move towards Gujarat region in a southwest direction. As you can see, the direction is southwest direction. After this movement, it you here you will find this uh, movement. You will find this Dharoi Dam has been built. Okay, Dharoi uh, Dam has been built. In fact, uh, once it reached this gorge, and what ha we have uh, uh, basically utilized this movement of uh, Sabarmati River through this gorges, the we tamed the uh, movement through building this uh, dam. Okay then further, further flow of sabarmati, if you'll see, you'll find this movement sabarmati and finally discharge in the gulf of kambat, okay? gulf of kambat, which is the part of arabian sea. Okay? So this is the trajectory, or we can say this course of sabarmati river. now, this second statement is correct. let's look at the third statement, the largest tributary of the godavari river. प्रनिता ठीक है इस प्रनहिता ले दिस इज द मैप ऑफ गोदावरी रिवर एंड यूल सी दे आर टू रिवर्स वारधा रिवर ठीक है अनदर इज वेनगंगा दे आर बेसिकली फ्लूंग एंड मीटिंग एट दिस पॉइंट फोर्थ पॉइंट और यून से कन्फ्लुंस ऑफ दीज टू रिवर्स ठीक है W2 that is Vardha and Venganga gave rise to Pranhita. Pranhita and it is the largest tributary of Godavari river. Okay? Around you will see for 34 percent of the water of Godavari you will associate with Pranhita. Okay? And Godavari finally is the one moving eastwards eastward flowing river, and here for, at Rajmundri, at Rajmundri, it split into different different. You can say further small distributaries because river there is a difference between tributary and distributary. Okay? so here it split into different different distributary, and these distributary finally joined Bay of Bengal. Okay? so this is the you can say uh, course we we have to discuss in this question related to Pranhita and Godavari. Now moving back to our question. As we discussed again, this is the largest tributary of Godavari River. Now, the statements are correct. So, correct option is D is the correct option. Okay. Now, let us look at this question related to cyclones. With reference to cyclones, consider the following statements. So, this question is talking about a tropical cyclone and extra-tropical cyclone. Tropical cyclone existed in the tropical region that we see in the emer uh, emergence of cyclones in the Bay of Bengal and Arabian Sea and extra-tropical you will uh, find in the extratropical regions like you will find in the Gulf of Mexico, California and so on. Now extra-tropical cyclone are different from the tropical cyclone Chike? and how they are different let us look at the statements which distinction distinction? Trop, extra tropical cyclones have a clear frontal system, which is not present in the tropical cyclones. In fact, this statement is true. you have पढ़ा the formation of tropical cyclone and extra tropical cyclone, दोनों you can say uh, conditions hai for formation. For example, tropical cyclone ke moisture, theke, as an important factor is 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 is, is very important. ठीक है जब ये ट्रॉपिकल साइक्लोन लैंड पे जाता है इट स्टार्टेड डेसिपिटेटिंग वैन बट वैन वी टॉक अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन इट कैन सर्वाइव ऑन लैंड एज वेल एज वाटर ठीक है एंड जो एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन है इट इज लार्जली एसोसिएटेड विद द फ्रंटल सिस्टम ठीक है फॉर्म ही फ्रंटल सिस्टम की वजह से होता है फ्रंट क्या होता है वैन दिस वार्म करंट एंड कोल्ड करंट मीट टूगेदर इस बाउंड्री जोन को बोलते हैं फ्रंट ठीक है फ्रंट And it created a sort of you can say uh, manipulation or disturbance in the uh, temperature conditions. Okay. So uh, this statement is correct because extratropical cyclones have a clear frontal system, and this frontal system we cannot see uh, in the tropical cyclone. Second statement: tropical cyclones move from east to west, but the extratropical cyclones move from west to east. ठीक है इसमें भी अगर इतना दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है मूवमेंट ही देख लो आप ठीक है मूवमेंट ही देख लो वेन यू टॉक अबाउट ट्रॉपिकल साइक्लोन बे ऑफ बंगाल से आ रहा है कहाँ से मूव हो रहा है मूविंग फ्रॉम ईस्ट टू वेस्ट जनरली ठीक है एंड वेन यू टॉक अबाउट एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल आप मूवमेंट देखोगे रिवर्स हो जाता है फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट दिस इज अगेन करेक्ट थर्ड इज देर इज़ नो लैंडफॉल ऑफ एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लॉन्स इन इंडिया ठीक है लैंडफॉल बोलो या इन्फ्लुएंस बोलो एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन का इंडिया पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है दिस इज़ नॉट ट्रू ठीक है दिस इज़ नॉट ट्रू बिकॉज अगेन अगर आपने वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस का कंसेप्ट uh, पढ़ा होगा इन टर्म्स ऑफ दिस ओरिजिनेशन ऑफ दिस साइक्लोनिक डिप्रेशन ओवर ओवर सी ये क्या है साइक्लोनिक डिप्रेशन ओवर सी ओरिजिनेटिंग ओवर सी इज़ वट रीजन एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल So, this extra trop tropical cyclonic disturbance originating over the Mediterranean Sea is having influence, is having influence in India okay? in the form of western disturbances, in the form of winter rainfall. So, third is not true. So, which statements st uh, true uh, hai. one and two statements are correct. So, how many of the above statements are correct? Only two. So, B is the correct option. Thank you. This is the end of our discussion from my side. Thank you.